देखता हूँ। दस माह के पश्चात आज वो शुभ तिथि आई, आज वो शुभ घड़ी आई, देवहूति के गर्भ से स्वयं कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो कपिल भगवान की। एक दिन कपिल भगवान कहते हैं अपने स्थान पर विराजमान हैं, बैठे हैं, महर्षि कर्दमन के शरणागत हुए और आकर कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार अपने गृहस्थ धर्म को निभाया, अब मेरे लिए आगे की क्या आज्ञा है। कहते हैं जीवन में अगर कोई सत्पुरुष मिल जाए, भगवत पुरुष मिल जाए, तो आज्ञा लेनी चाहिए अपने आगे के जीवन के लिए। सदा ही वही जीवन नहीं जीते रहना चाहिए, वही काम, वही तृष्णाएं, वही वासनाएं, आखिर कब तक। एक दिन तो ऐसा हो कि हम आज्ञा ले ले में सदगुरु के चरणों में बैठ के कि प्रभु अब बस आगे का मार्ग प्रस्त करिए, अब मुझे आगे का मार्ग देखना है। कपिल उवाच, गच्छ कामं मया पृष्ठो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदर्जयं मृत्युं मृतत्वायं मां भज, मृतत्वायं मां भज। गच्छ कामं मया पृष्ठो मयि सन्न्यस्त कर्मणा, कि हे महर्षि कर्दम, ये मिलन बड़ा गहरा है। देखो कर्दम कौन है, कहा जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, और देवहूति कौन है, देव कार्य के लिए जो अपने तन तक की आहुति दे दे, उसका नाम देवहूति है। ऐसे मिलन से ही स्वयं भगवान का प्राकट्य होता है, स्वयं कपिल का प्राकट्य होता है। इंद्रियों का दमन धर्म के कार्य के लिए है, सिकुड़ लेना अपने आप को, इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर लेना, वो ऐसे महर्षि कर्दम है। देवहूति ने अपने तन की आहुति दे दी, किसके लिए, ऋषि के तप के लिए, संसार के कल्याण के लिए। जब तक मानव अपने जीवन में त्याग नहीं करेगा, ना केवल अपने लिए नहीं समाज के लिए, तब तक ना अपना भला हो सकता प्यारे, ना समाज का भला हो सकता। इसलिए त्याग तो जीवन में करना पड़ेगा। अज्ञति महर्षि कर्दम को कपिल भगवान ने गच्छ कामं मया पृष्ठ मयि सन्न्यस्त कर्मणा, के हे ऋषि, अपने जीवन के सारे कर्म तुम मेरे ऊपर छोड़ दे, मुझे अर्पित कर दे, और मुझे कब तक भज, मेरा ध्यान कब तक कर। कहा जित्वा सुदुर्जय मृत्युं मृतत्वायं मां भज, जब तक तेरी देह के में किंचित मात्र भी प्राण है तब तक तुम मेरा ध्यान कर, तब तक तुम मुझे भज। सतपुरुष कहते हैं, जीव जब पूछता है ना कि हे प्रभु मैं तेरा ध्यान कब तक करूं, भगवान कहते हैं कि जब तक भज प्यारे, जब तक अंतिम श्वास तेरे तन में है। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन ते होत त्रिविध कल्याण। मन पवित्र हरि भजन ते, और मन को पवित्र करने का दूसरा कोई संसाधन नहीं प्यारे, केवल हरि भक्ति ही एक संसाधन है जो हमारे मन को पवित्र कर सकती है, केवल हरि भक्ति, प्रभु भक्ति। इसलिए आज्ञा मिल गई,
आज महर्षि कर्दम से कपिल भगवान ने से कर्दम को जैसे ही जानने लगे उसी समय देवहूति आई और संत चरणों में नतमस्तक हो गई। महर्षि कर्दम के चरणों में नतमस्तक हो गई कि हे प्रभु कहां जा रहे हो हमें छोड़ के। यही बात देवहूति भागवत में महर्षि कर्दम से कह रही है और यही वाक्य भगवती सीता भगवान राघवेंद्र को मानस में कहती है जिस समय राघवेंद्र को 14 वर्ष का वनवास होता है और भगवान राघवेंद्र भगवती सीता को कहते हैं कि देवी तुम महलों में ही रहो, यही सुख है, क्या करोगी वनों में भटक के। तो भगवती सीता क्या कहती हैं राघवेंद्र को, प्राणनाथ तुम बिनु जग माहि मोके सुख देखता कछु नाहि। सियारा सियारा जय जय राम, सियारा सियारा सूखी उसमें जल नहीं, हाँ कैसी नदी का भी क्या लाभ। तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी मुस्कुराए महर्षि कर्दम। अरे सौभाग्यशाली जीव इस संसार में अकेला आता है और एक दिन उसे अकेले ही जाना पड़ता है, यही शाश्वत सत्य है। कौ कश्य माता कौ कश्य भार्य कौ कश्य पुत्र अर्थकालीन संबंध कौ कश्य परिवेदना। अरे कौन किसका प्यारे, जब तक बल पास में तब तक सब अपने, बल समाप्त तो फिर कोई किसी का नहीं।
अकेला आया था जीव, अकेला ही जाना पड़ेगा। प्राणनाथ तुमने हमें कहा, परंतु तुम ये बात कैसे भूल गई कि इस जगत में संपूर्ण जगत के परमात्मा वो गोविंद है, वो ठाकुर है, जो सारे जगत को पालते हैं पोसते हैं। उनसे बड़ा संसार में कौन हो सकता है? क्यों ना जीव केवल उनके शरणागत हो जाए। नक्षत्र भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पति ही देवहूति ने यह बात कही। नक्षत्रों का भूषण चंद्रमा है, नारी का भूषण पति है, परंतु देवी तुम ये बात कैसे भूल गई? सर्वस्य भूषणम जगत पति, सारे जगत का भूषण वो जगत पति है। इसलिए उन्हीं की भक्ति करते हुए अपने जीवन को मोक्ष मार्ग के ऊपर लेकर चलो। यौवन अवस्था में मेरे भक्ति मार्ग में आकर तुम बाधा बनी, विवाह हुआ तुमसे मैंने निभाया, देवी अब तो मैंने सारे गृहस्थ धर्म को निभा दिया, अब तो तुम्हें स्वयं साक्षात कपिल भगवान की प्राप्ति हो गई। वैसे भी स्त्री को अपने जीवन में सदा किसी न किसी के सानिध्य में रहना चाहिए। विवाह से पहले स्त्री को अपने पिता के सानिध्य में रहना चाहिए, विवाह के बाद अपने पति के सानिध्य में रहना चाहिए, और पति के पश्चात उसे अपने पुत्र के सानिध्य में रहना चाहिए। यही धर्म सम्मत बात है। तुम कैसे इससे बाहर जा सकती हो देवी? इसलिए देवी मेरी भक्ति मार्ग में तुम बाधा मत बनो मुझे, अब अपने मार्ग पे जाना है, और मेरा मार्ग है तप। इसलिए देवहूति समझ गई थी कि संसार तक का इनका इतना ही कार्य है, अब इनको तप को जाना है। इसलिए देरी नहीं लगाई देवहूति ने, परिक्रमा करी अपने पति देव की, तीन चरण रज माथे पे लगाई। कहते हैं जीवन में वैराग्य के क्षण कभी कभी आते हैं, और जब आते हैं ना तो इन क्षणों को संभाल लेना चाहिए प्यारे। जो वैराग्य के क्षण को संभाल ले वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। मन तो हमारा भी कई बार करता है, घर के झगड़े जब होते हैं तो मन करता है बस सब छोड़ छाड़ वृंदावन चला जाऊं, परंतु दूसरे ही पल फिर सारा संसार याद आ जाता है। हाय मेरे पुत्र का क्या होगा, हाय पति का क्या होगा, हाय परिवार का क्या होगा। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सारा संसार हमारे ऊपर ही टिका हुआ है। वो छिपछिली वाला उदाहरण कई बार याद आता है, एक छत के ऊपर दो छिपछिलियां रहा करती थी। एक छिपछिली दूसरी को कहती है, चल बहन आज आजा मेरे साथ, मैं तुझे कहीं लेके जाऊंगी भोजन के लिए। तो दूसरी छिपछिली कहती उस छिपछिली को, नहीं बहना मैं तो ना जाऊं इस छत से। कहा क्यों? कहा अगर मैं इस छत से कहीं चली गई तो ये छत नीचे गिर जाएगी। कहा क्यों? कहा क्योंकि ये छत तो मेरे ऊपर ही टिकी हुई है, इसलिए इसलिए मैं कैसे जा सकती हूं। जो वहम उस छिपछिली को था ना, वही वहम आज हर मानव को है कि ये परिवार ये संसार तो मेरे बिना नहीं जी सकता, नहीं रह सकता। अरे तेरे से पहले भी तो कितने आयु राके चले गए, क्या उनके बिना संसार नहीं चला? बढ़िया से बढ़िया के चले गए महाराज, आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, दूजा बंधा जंजीर। तो प्यारे जाना तो सबको है और निश्चित है, किसी के ऊपर कुछ नहीं टिका आज तक। इसलिए क्यों ना एक भरोसा मान लिया जाए अपने प्रभु को, अपने ठाकुर को, अपने प्यारे को, अपने परमात्मा को, फिर बाकी के सहारे छोड़ दो, बाकी के सहारे छोड़ दो प्यारे। एक विश्वास अपने इष्ट के ऊपर अगर हो जाए, सच्ची निष्ठा अगर हो जाए, तो फिर किसका ना कल्याण हो जाए मेरे प्यारे। इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास,
कि मुझे पता है मेरा भगवान मुझे पाएगा। काशी जी में गोस्वामी तुलसीदास राम कथा सुनाया करते थे। बड़ी प्राचीन बात है। नंददास जी महाराज भक्त तो कृष्ण के थे, परंतु कथा गोस्वामी जी के मुख से बड़े भाव से सुना करते थे। बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग सुनाते राम जी के, बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग हैं। परंतु नंददास जी का हृदय हिलोरे लेता रहता है था कि कब एक बार मैं वृंदावन को दर्शन करके आ जाऊं। टोली आती थी और गोस्वामी तुलसीदास के पास आकर ठहरती थी वृंदावन जाने के लिए। एक वर्ष फिर वो टोली आई और नंददास का बड़ा हृदय उमड़ने लगा कि स्टोली के संग में एक बार वृंदावन को दर्शन कराऊं, परंतु हिम्मत नहीं हो रही थी कि गोस्वामी तुलसीदास से आज्ञा ले लूं। आज कथा जैसे ही पूर्ण हुई तो हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे नंददास के, हे गोस्वामी जी, मेरा बड़ा मन है कि एक बार मैं श्रीधाम वृंदावन हुआऊं और मैं ठाकुर को दर्शन कराऊं। मुस्कुराए गोस्वामी तुलसीदास, मुस्कुरा के कहते हैं कि हे नंददास, मुझे यहाँ पे श्रोताओं की कमी नहीं है, बहुत श्रोता हैं कथा सुनने वाले, परंतु तुम्हारे जैसा रसिक कोई कोई श्रोता मिलता है? जाया हो तुम कोई बात नहीं, परंतु शीघ्र आ जाना, क्योंकि हमें भी रसिक के श्रोताओं को ही कथा सुनाने का आनंद आता है। ऐसा सुनते ही आज्ञा ली और उछलते हुए नंददास जी महाराज टोली के संग वृंदावन पहुंचे। महाराज ब्रजरज में ऐसे खोए कि सारी सुध बुध भूल गए। परसों आने का वचन दिया था, न जाने कितने बरसों निकल गए, कितना समय निकल गया। जमुना महारानी का स्नान करते ब्रजरज में लोटपट होते, बिहारी जी को दर्शन करते, सेवा कुंज की सेवा करते 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 प्रभु ब्रजगलियों में खो गए। टोली वापिस आके चली गई, कहा भैया नंददास नहीं आए। कहा नहीं, वो तो वहीं रह गए। एक वर्ष बीत गया महाराज पूरा। अगले वर्ष फिर वो टोली आई, वहां पे ठहरी तुलसीदास जी के पास। वृंदावन जाने लगी। तुलसीदास जी ने कहा कि भक्तों, मैं तुम्हें एक आधा दोहा लिख के दे रहा हूं। ये पत्र है मेरा, इस पत्र को तुम मेरे मित्र को दे देना। कहा कौन है आपके मित्र? हमारे मित्र हैं नंददास, वृंदावन गए थे वापस नहीं आए। कहा हम कैसे पहचानेंगे कि वो नंददास हैं, कौन नंददास हैं? कहा जो इस दोहे को पूरा कर देगा ना, बस वही नंददास होगा। कहा पहचान क्या होगी महाराज? कहा बस कृष्ण भक्ति में जो वहां लोटपोट होगा वही नंददास होगा। टोली गई श्रीधाम वृंदावन दर्शन की ओर। दर्शन करने के बाद जैसे ही इस दर्शन को करके ढूंढा नंददास जी को, तो ढूंढते ढूंढते बहुत समय बीत गया, कई दिन बीत गए, नंददास ना मिले। अंततः आज जमुना जी के पुलिंद में एक भक्त बैठे हुए कृष्ण नाम में समाये हैं, खोए हुए हैं। आज टोली समझ गई, भक्त तो भक्त को पहचान लेता है। जैसे बुरा बुराई की तरफ जल्दी दौड़ पड़ता है, अच्छा अच्छाई की तरफ भी वैसे ही चल पड़ता है। तो ढूंढ लिया, कहा भैया क्या तुम नंददास हो? कहा भैया हो तो मैं ही नंददास। आपके मित्र गोस्वामी तुलसीदास ने आपको पत्र भेजा है? अरे मेरा मित्र तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, लाइए। जैसे ही पत्र देखा, खोला तो उस पत्र में क्या लिखा था? आदि लाइन लिखी थी, आदि पंक्ति में, क्या कमी है रघुनाथ में, क्या कमी है रघुनाथ में, क्यों छोड़े भगवान। बस इतना लिखा था।
क्या कमी है रघुनाथ में और क्यों छोड़े भगवान। पत्र पूरा कर दिया महाराज नंददास ने, तो कहा ये मेरे मित्र को जाके दे देना। अब मंडली पत्र लेके चली गई और जैसे ही गई गोस्वामी तुलसीदास से मिले। बस तुलसीदास तो एक ही बात जो हो रही थी कि मेरे मित्र का संदेश आएगा। अरे मेरा मित्र मिला। कहा हाँ महाराज आपका मित्र मिल गए हैं। कहा क्या संदेश लाए हो, तो ना जल्दी से शीघ्र दो। पत्र लिया, पत्र खोला, पत्र खोलते ही यशोधारा बह पड़ी। महाराज क्या उत्तर दिया आनंददास ने, क्या कमी है रघुनाथ में और क्यों छोड़े भगवान। उत्तर में क्या लिखा था, क्या कमी है रघुनाथ में क्यों छोड़े भगवान। जी मन मेरे बस में ना रहे हो, जब सुन मुरली की तान। सुन मुरली की तान, खो गया था मैं मुरली की तान को सुन के, भूल गया था मैं अपनी सुध-बुध। और मानो उत्तर मिल गया था आज गोस्वामी तुलसीदास को कि ये तान बड़ी प्यारी है, ये तान बड़ी मधुर है। वृंदावन जो एक बार चला जाए फिर वो अपना सब कुछ भूल जाए प्यारे। ओ कोई पकड़ के मेरा हाथ रे, कोई पकड़ के मेरा हाथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दई। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दई। कोई पकड़ के मेरा हाथ रे, मोहे वृंदावन पहुंचा दई। मन मोहन मेरा
जाना है, मैंने जाना है के मेरी डोरी, ओ मेरी डोरी,
पवन मेरो धाम रंगीलो जाने के पश्चात देवहूति का मन कुछ खिन्न खिन्न रहने लगा। कपिल भगवान ने बिंदु सरोवर के ऊपर सुंदर कुटिया बनाई और उसी में बैठकर हरि नाम का गुणगान वो करते हैं। देवहूति का मन बड़ा खिन्न था, इसलिए आज देवहूति उदास मन से कपिल भगवान की शरण में गई। पुत्र हो तो तुम मेरे पुत्र, परंतु हो साक्षात भगवत स्वरूप। मेरे मन का एक प्रश्न है, तुम मुझे उस प्रश्न का उत्तर दे दो। कहा हां मां पूछो, क्या पूछना चाहती हो? देवहूति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। ये प्रश्न केवल देवहूति का नहीं, ये प्रश्न हम सब का है। कि हे प्रभु, इस संसार में जीव की मन की अशांति का क्या कारण है? ये मन क्यों नहीं एक जगह पर टिकता? प्रयत्न करके भी ये मन क्यों भगवान के चरणों में नहीं लगता? इसके शांति का कौन सा कारण है? कपिल भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं, हे मां, जीव के मन की अशांति का कारण है उसके जीवन की अज्ञानता। ये अज्ञान ही तो है जो हमारे मन को परमात्मा के चरणों में नहीं लगने देता। तर्क कहता है, यत्र यत्र धुम्ना तत्र तत्र वहनी, जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी। परंतु धुएं का कारण इस जगत में और भी कुछ हो सकता है प्यारे। धुआं तो किसी भी कारण से हो सकता है, जरूरी थोड़ी आग के ही कारण हो। रात्रि के समय सोए हुए हम उठे और हमने एक रस्सी लटकी देखी और हमने उस रस्सी में सर्प का आभास कर लिया कि ये सर्प है, परंतु वो सर्प नहीं है तो रस्सी ही।
आंखों की अज्ञानता है, भ्रम है हमारा। वो कहा मैया जीवन में हमारा ये भ्रम समाप्त हो जाए तो हमारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा, और जब हमारा अज्ञान समाप्त हो गया तो फिर मन शांत हो जाएगा। कहा पुत्र कौन सा साधन अपनाया जाए कि जिससे जीव का मन पूर्णतः भगवान के चरणों में लग जाए। कपिल भगवान ने कहा मैया परमात्मा के चरणों में मन लगाने के लिए जीवन में चार का होना परम आवश्यक है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु जीवन में चार का होना परम आवश्यक है। कहा मैया जीवन के ज्ञान को दूर करने के लिए जीवन में किसी न किसी को तो सदगुरु बनाना पड़ेगा, किसी को दैहिक गुरु बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा कल्याण हो सकता है। क्या परिभाषा है गुरु की? कपिल भगवान ने बताया भागवत में, भागवत कह रही है ये बात कि गुरु कौन होना चाहिए। कपिल भगवान मां देवहूति को कहते हैं गुरु सर्वप्रथम वैष्णव होना चाहिए, जो आपको भगवान के चरणों से जोड़े, जो आपको परमात्मा से जोड़े वो आपका सदगुरु होना चाहिए। दूसरे कहा पहले वैष्णव हो दूसरे ब्राह्मण होना चाहिए, दूसरे ब्राह्मण होना चाहिए। केवल ये दो ही गुरु बन सकते हैं, वैष्णव और ब्राह्मण, तीसरे और किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा है। जो आपको सुलभता से मिल जाए, अर्थात गुरु वो ना हो कि लाखों की भीड़ में आप गुरु के दर्शन को तरसे कि कहीं हमें गुरु मिल जाए, एक बार हमें गुरु का दर्शन हो जाए, हम सदगुरु से बात कर सकें। प्यारे सदगुरु तो वो हो जो आपके पास बैठ के आपके सुख और दुख को भी सुन सके, भौतिक आपके दुख को चाहे ना सुन सके परंतु आपके आध्यात्मिक दुख को सुन सके। आप अपने सदगुरु के चरणों में बैठ के कह सको कि हे गुरुदेव मेरा मन भगवान के चरणों में क्यों नहीं लगता। सदगुरु अगर मिल जाए जीवन में तो उनसे कभी संसार की बात मत करना। कहा जब दो संसारी मिलते हैं तो पूछते हैं तेरा व्यापार कितना है, तेरा परिवार कितना है, परंतु जब दो संत मिलते हैं ना तो वो ये पूछते तेरा व्यापार कितना है, ना वो ये पूछते तेरा परिवार कितना है। वो पूछते हैं तो केवल इतना कि तुझे प्रभु से प्यार कितना है, गोविंद के चरणों में तेरी प्रीति कितनी है, बस वो केवल इतना ही पूछते हैं। इसलिए सदगुरु अगर मिल जाए तो झूठे जगत की चर्चा ना करके सच्चे परमात्मा की चर्चा करनी चाहिए। इसलिए हे मां यही गुरु की परिभाषा है। मैया मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहती है हे पुत्र मुझे तो ये सारे के सारे गुण तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तुम वैष्णव हो, दूसरे तुम ब्राह्मण पुत्र हो, तीसरे ज्ञानी हो, जीवन के ज्ञान को दूर करने में सामर्थ्यवान हो, इसलिए हे पुत्र मैं क्यों ना मैं आपको तुम्हें ही अपना गुरु बना लूं। कहा मैया आप बहुत समझदार हो, घर में ही गुरु को ढूंढ लिया। हे मां आया तो था मैं सांख्य शास्त्र को उपदेश करने के लिए, परंतु अगर तुमने मुझे गुरु मान ही लिया है तो मैं तुम्हें नवदा भक्ति का सुंदर संदेश दूंगा, सुंदर उपदेश दूंगा, तो मैं ऐसी भक्ति सुनाऊंगा जिस भक्ति को श्रवण करके तुम्हारा मन निश्चल रूप से परमात्मा के चरणों में लग जाएगा। नवदा भक्ति बड़ी प्यारी है प्यारे, यही नवदा भक्ति भागवत में गाई गई और यही नवदा भक्ति मानस में भी गाई गई। और देखो कितना बढ़िया संयोग है कि मां भगवती के भी नौ ही स्वरूप है।
प्रथम शैल पुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातिति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरी च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। और दूसरे दूसरे नवदा भक्ति श्लोक के माध्यम से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाश्यम सख्यम आत्म निवेदनम श्रवणम। मानस में भी गाई गई हा? मानस में भी ये नौ भक्तियां गाई गई। आइए मानस से शुरू करके भागवत तक ले जाते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम जय जय राम। नवद भक्ति कहूं तो ही पाही सावधान सुन धैर्य मन माही राम सिया राम जय जय Eat it.
और वहां पर भागवत जी में श्रवणम सुनोगे कब कहा, जब आप संतों का संग करोगे। श्रवणम सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यश्रवणमात्रेण हरिष्टितम् समाश्रये। कहा सदा सुनो, सदा सुनो भगवान की कथा, सदा सुनो। क्या होगा सुन के? यश्य श्रवण मात्रेण, इसके सुनने मात्र से दुनिया कहती है कि मेरे चित्त में भगवान बस जाएं, मेरे मन में भगवान बस जाएं। परंतु सोचो जरा मेरे प्यारे, कोई क्या कोई इस जगत में ऐसा भी साधन है कि तुम भगवान के चित्त में बस सको? कहा हाँ है। कहा कौन सा? कहा सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कहा क्या होगा सुन के? कहा यश श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित, इसके सुनने मात्र से तुम्हें भगवान का चित्त मिल सकता है। ये करती है भागवत, इसके सुनने मात्र से जीव भगवान के चित्त में स्थान पा लेते, मन में स्थान पा लेता है। इसलिए प्रथम भक्ति श्रवणम, कि जो ये हमारे कर्ण रंध्र है ना, दुनिया की झूठी कोरी कल्पनाएं चर्चाएं सुन सुन के जो पक चुकी हैं, क्यों ना आप सच्चे परमात्मा की सुंदर कथा सुनी जाए। भगवान नाम का सुंदर गाना हमारे कर्णों में पड़ जाए और कर्णों से होते हुए वो हृदय तक उतर जाए। और दूसरी भक्ति कीर्तनम, यह त्रायते ति संकीर्तनम, यह तापात पापात त्रायते ति संकीर्तनम, कि जो मानव को पाप और ताप से बचा ले उसका नाम संकीर्तन है, उसका नाम कीर्तन है। कृतार्थवाद करने अर्थ में जो है, क्या करने अर्थ में? कहा अच्छा करने अर्थ में, अच्छा जो किया जाए वो क्या हो सकता है? वो केवल हरि नाम हो सकता है, बाकी संसार में और कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यह त्रायते ति संकीर्तनम, पाप ताप को उतारने में सामर्थ्यवान है हरि नाम प्यारे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वहां कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंग। रति अगर लगानी पड़ जाए झूठे जगत में मत लगाना, रति लगानी हो तो सच्चे परमात्मा में लगाना। गोस्वामी तुलसीदास मानस में कहते हैं, मैं कृत्य कृत्य भयो अब तब प्रसाद बेस्वेस,
उपजी राम भक्ति दृढ़ मिटे ही सकले कलेश उपजी राम भक्ति दृढ़ मिटे ही सकले कलेश। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा मैं कृत कृत्य कब हुआ, मैं कृत कृत्य भय हूं अब तब प्रसाद विश्वेश, जब मेरे जीवन में भगवत रूपी कृपा का प्रसाद आया। कहा कब, कहा उपजी राम भक्ति दृढ़ मिट ही सकल कलेश, मेरे जीवन में भक्ति रूपी बीज का अंकुरण हुआ तब मेरे जीवन के सारे कलेश समाप्त हो गए। भगवान की भक्ति के बिना जीवन के कलेश समाप्त नहीं हो सकते, ये सच्ची बात है। प्रभु कृपा उसी पे होती है मेरे प्यारे, जिसने उस कृपा को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न किया हो, उसकी दया को जिसने माना हो, उसकी कृपा को जिसने माना हो। जीवन के सुखों में वो परमात्मा, जीवन के सुखों में वो परमात्मा हमारे साथ साथ चलते हैं, परंतु जीवन के दुखों में वो परमात्मा हमें अपनी गोद में उठा के चलते हैं, ये सच्ची बात है। एक व्यक्ति सैर किया करता था जमुना के किनारे किनारे, पांव के निशान बनते थे उसके, और उसके साथ साथ एक पांव के निशान और बना करते थे। वो बड़ा प्रसन्न होता कि भगवान मेरे साथ साथ चलते हैं, बड़ा खुश होता। व्यापारी था वो बहुत बड़ा, समय बीता उसका बुरा समय शुरू हो गया। एक दिन व्यापार डूब गया, सब छूट गया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, मित्रों ने साथ छोड़ दिया, परंतु उसकी सैर नहीं छूटी। आज भी सुबह सुबह सैर को जा रहा था, आकस्मिक उसकी दृष्टि नीचे पड़ी तो देखा जो पांव के निशान थे, जो साथ साथ दो चला करते थे, वो भी केवल दो ही रह गए, उस निशान भी छूट गए। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बड़ा दुखी हुआ। समय बीता, उसके जीवन की वो द्वंद्व, वो कलह, वो कष्ट एक दिन समाप्त हो गए। सैर नहीं छूटी थी उसकी। एक दिन जब फिर से व्यापार ऊपर उठ गया, सब कुछ अच्छा हो गया, रिश्तेदार भी वापिस आ गए, प्यारे भी वापिस आ गए, तो सैर करने जा रहा था, आज देखा वो पांव के निशान भी फिर से चार हो गए। मुस्कुराया वो, मुस्कुरा के एक प्रश्न मन में लेके भगवान को कहता है, हे प्रभु मेरे जीवन में सुख थे, सब मेरे साथ थे, सब साथ साथ चला करते थे, मेरे जीवन में दुख आए, सब साथ छोड़ गए, मैंने चिंता नहीं करी, परंतु प्रभु दुख तो मुझे उस दिन हुआ जिस दिन वो पांव के निशान भी केवल मेरे रह गए, वो दो निशान रह गए। प्रभु अब सुख आए जीवन में, सब साथ छोड़ गए थे, सब आ गए, परंतु आप भी अब आए। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं, प्यारे तेरे जीवन में जो वो जब दुख आए ना, तेरे सुखों में तो मैं तेरे साथ साथ चला करता था, जब तेरे जीवन में दुख आए ना, तब तेरे जो पांव के दो निशान रह गए थे ना, वो दो निशान तेरे नहीं थे, वो दो निशान मेरे पांवों के थे, क्योंकि तेरे जीवन के दुखों में उस समय मैं तुझे अपनी गोद में उठा के चलता था। आज तेरे जीवन में फिर से सुख आए, मैंने तुझे अपनी गोद से उतार दिया और तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। प्यारे मेरे भगवान तो सदा हमारे साथ चलते हैं, जीवन के सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में हर घड़ी में भगवान हमारे साथ रहते हैं। भगवान के अनुग्रह को कभी कम मत मानना। जीवन में सुख आएंगे तो दुख भी आएंगे, और दुख आएंगे तो सुख भी आएंगे, परंतु प्यारे वो परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा सदा करते रहेंगे। तीसरी भक्ति विष्णु स्मरणम, कि जीवन में सबको भूल जाना परंतु अपने परमात्मा को कभी मत भूलना, प्रभु को कभी मत भूलना। देखे ना इंद्रियों के ना घोड़े दौड़े, इनमें हरदम संयम के ये कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद
देखना इंद्रियों के न घोड़े दौड़े, इनमें हरदम संयम के ये कोड़े पड़े, अपने रति को सुमार गए जलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, सुख में भूलो नहीं दुख में भूलो नहीं, नाम प्रभु पायो मन से तुम भूलो नहीं, याद आई हरि को कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो दिए कभी भी ना कभी भी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, दुनिया को भूल जाना कुछ समय के लिए, परंतु भगवान को एक पल भी मत भूलना। विष्णु स्मरणम ये तीसरी भक्ति यही बात सिखलाती है। पाद सेवनम चौथी भक्ति बड़ी प्यारी है। अपने भगवान के चरणों की सेवा को ही अपने जीवन का सदाधार मानना। चरण सेवा जिसने भगवान की कर ली उसका कभी आचरण नहीं बिगड़ सकता प्यारे, इसलिए चरण सेवा को ही जीवन का सत मानना आधार मानना। वंदन मन अर्चन वंदन अर्चना करना अपने परमात्मा की वंदना करना, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हाँ ये हाथ हमारे पानी है कर रहे हैं, ये सबके समक्ष जुड़ जाए। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करना। हाँ अपने भगवान को भी प्रणाम करना और सब में भगवान को देखना, यही वंदन भक्ति सिखलाती है। दाश्यम बड़ी सुंदर भक्ति है दासीता। दुनिया के बड़े दास बने हम आज तक, क्यों नहीं अपने सच्चे परमात्मा के चरणों के दास हम बन जाएं, प्रभु को ही अपने जीवन का सदा आधार मान लें। सक्षम बड़ी प्यारी भक्ति है, रिश्ता बना ले अपने ठाकुर के साथ, किसी को भाई माना, किसी को बहन, किसी को पति, किसी को पत्नी, क्यों ना एक रिश्ता ठाकुर से भी बना लिया जावे। रिश्ता बनाना निभाएंगे स्वयं वो, तुम निभाने का थोड़ा सा प्रयत्न करना। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ, भगवान की प्रतिज्ञा है, तो एक पग चलना मैं तेरे लिए साठ पग चल के आ जाऊं। संबंध बनाना, द्रौपदी ने बनाया था संबंध भगवान से, और वो परमात्मा वस्त्रावतार लेके आ गए। संबंध बनाया था प्रभु से श्री सुदामा जी महाराज ने, और मेरे भगवान ने उस संबंध को निभाया। उद्धव के संबंध को भगवान ने निभाया, भक्तों के संबंधों को निभाया, प्रहलाद के संबंध को निभाया, मीरा के संबंध को मेरे भगवान ने निभाया। निभाते हैं वो प्यारे, बनाना हमें है और निभाना उनका कार्य है। संबंध ऐसा हो कि उसमें किसी तरह की कोई मांग ना हो। रिश्ता मजबूत कब होता है, कहा जब उसमें किसी प्रकार की कोई मांग ना हो। निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव का संबंध ही सच्चा संबंध हो सकता है।
इसलिए प्यारे अगर संबंध बनाओ ना तो उसमें दुनिया की कोई दुनियावी मांग ना हो, हाँ कि तू मेरा मैं तेरा प्यारे, हे ठाकुर बस तू ही मेरा सब कुछ, हे गोविंद अहम केवल त्वाम अस्मि, हाँ मैं केवल तेरा हूँ। और अगर मैं तेरा हूँ ये बात हम कह दे तो वो ठाकुर भी कह देगा प्यारे अगर तू मेरा है ना तो फिर मैं भी तेरा ही हूँ, भगवान भी उस रिश्ते को निभाएंगे, ये सच्ची बात है। अंतिम भक्ति है आत्म निवेदनम, कि आत्मा का निवेदन हम उसके सामने करते हैं जिसको हम अपना सबसे प्यारा मानते हैं, ये मेरा सबसे अच्छा सखा है, ये मेरी बात को अच्छे से सुनेगा। परंतु प्यारे जिसको हम इस संसार में अपना सबसे प्यारा मानते हैं ना अपना मानते हैं, वही हमें सबसे बड़ा, वही हमारे साथ सबसे बड़ा फ्रेम करता है। आपके दुख को संसारी सुन तो लेवेंगे परंतु आपके जाने के बाद वही आपके दुख के ऊपर हंसेंगे। आत्मा का निवेदन दुनिया के सामने बड़ा किया हमने, क्यों ना एक बार अपनी आत्मा का निवेदन अपने सच्चे परमात्मा के सामने करके देख ले, ठाकुर को ही अपना आधार मान ले कि हे ठाकुर मेरे जीवन के अगर दुख तेरे हैं तो फिर मेरे सुख भी तेरे, केवल दुख ही दुख कभी मत गाना भगवान के सामने, कभी जीवन के सुख भी बांटने की कोशिश करना, हे ठाकुर तूने मुझे छत दी है बेशक ज्यादा बढ़िया नहीं दी परंतु दी तो है ना, हे ठाकुर तूने वस्त्र दिया, वस्त्र दिया बहुत बहुत दुनिया के लाल तो इसमें नहीं लगे परंतु फिर भी मेरा तन तो ढका है ना, हे ठाकुर तूने मुझे अन्न दिया, तेरा दिया हुआ ये प्रसाद ही मेरे लिए छप्पन भोग है, ऐसी कृपा भगवान की मानना तुम जीवन में, कृपा के प्रसाद को ऐसा ही समझना, समझ लेना कि इस प्रभु ने कितनी कृपा करी है हमारे ऊपर, वरना तो दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें दो समय का भोजन तक नसीब नहीं होता। प्यारे हम तो बहुत अच्छे अच्छा भोजन करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा पहनते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको तन ढकने तक के कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है। सोचना कभी उस विषय में भी, उनके बारे में भी प्यारे कि परमात्मा ने हमें कितना कुछ दिया है, इस अनुग्रह को जो नहीं मानता कहते हैं उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा, कि परमात्मा ने हमें कितने बढ़िया श्वास दिए, वरना तो दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो श्वास लेने के लिए भी तरसते हैं, देखना जाके कितनी दुनिया, हम चंडीगढ़ जैसे शहर में हम लोग रहते हैं, पीजीआई जाके देखते हैं कितनी दुनिया वहां पे तड़प रही है सांस लेने के लिए, कि किसी तरह सांस आ जाए महाराज, ऑक्सीजन लगा लगा के भी श्वास नहीं आता। जीवन में अगर कभी अपना दुख बड़ा भारी लगने लग जाए ना, तो हमारे सतपुरुष कहा करते हैं कि हमें एक बार पीजीआई या हॉस्पिटल का चक्कर काट के आ जाना चाहिए, जब लगे ना कि मेरे जीवन में तो दुख बहुत ज्यादा है, तब देखना आपको अपने दुख कम पड़ जाएंगे प्यारे, उनके दुखों को देख के कि कितने कष्टों में दुनिया जी रही है। अनुग्रह मानो अपने परमात्मा का कि प्रभु ने इतना बढ़िया जीवन हमें दिया। सदगुरुदेव सुनाते हैं कि कपिल भगवान ने मां देवहूति को नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया, हे मैया जिसने भी अपने जीवन को इस नवदा भक्ति को अपनाया उसके ऊपर मेरे भगवान की हेतु की कृपा हो गई। प्रश्न कर दिया मैया ने कि हे प्रभु इस जगत में जो मानव इन नौ भक्तियों में से भी किसी भक्ति को ना अपना सके क्या उसका भी कल्याण हो सकता है, क्या उसका भी कल्याण हो सकता है? कपिल भगवान कहते हैं हाँ मां इससे भी बड़ा एक उपाय है। कहा क्या? कहा जो ये भक्तजन ये संतजन भगवान नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान के गुणानुवाद को गाते हैं, तपो में संलग्न रहते हैं, कहते हैं संत चरणों की सेवा करने से भी जीव को भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कहा कोई उदाहरण है ऐसा? हाँ उदाहरण है,
कहते हैं कपिल भगवान ने माँ देवहूति को शबरी मैया का की पावनी कथा श्रवण कराई कि किस स्त्री है मैली कुचैले वस्त्रों में सेवा करने के लिए दर दर भटकती है कि मुझे किसी संत के आश्रम में सेवा का मौका मिल जाए, परंतु उसके स्वरूप को देख के कोई सेवा का मौका ना दे। एक महर्षि हुए जिनका नाम था महर्षि मतंग। मतंग ने शबरी की स्थिति को देखा। शबरी ने कहा, प्रभु मैं आपके आश्रम में सेवा करना चाहती हूँ। कहा, करो देवी, किसने मना किया है। शबरी संत चरणों की सेवा करने लग गई। प्रातः काल उठती शबरी और गुहारी लगाती सारे आश्रम में। संत चरणों की सेवा कैसे करनी चाहिए, गुहारी कैसे लगानी चाहिए। कहते हैं जब भक्त आज भी सेवा कुंज जाते हैं ना यहाँ से अन्य अन्य जगह से, तो प्रातः काल वहां गुहारी सेवा लगती है, गुहारी लगाई जाती है महाराज। और एक भक्त भाव गाता है, जैसे शबरी का भाव है वहां पे झाड़ू लगाते हुए। हाँ, वो कहता है, भोरे भाई सेवा कुंज जाऊं, भोरे भाई सेवा कुंज जाऊं, सोहने लगा उमगी के, सोहनी लगा उमगी के, दर्शन का सुख पाऊं प्यारे, दर्शन का सुख पाऊं, भोरे भई सेवा सेवा कुंज की, वही मेरे जीवन का आधार हो। शबरी लगाती थी लकड़ियां, चुन के लाती वनों से और लाके उन लकड़ियों के ऊपर संतों का प्रसादी बनाती, भोजन बनाती, सबको पवाती, जो कुछ जूठन बचती उसको ग्रहण कर लेती। बहुत समय बीत गया सेवा करते करते। आज महर्षि मतंग का अंतिम समय आया, वैकुंठ से विमान आ गया लेने के लिए, और महर्षि उस विमान में आरूढ़ होने लगे। शबरी ने दौड़ के गुरु चरणों को पकड़ लिया, हे सतगुरुदेव क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्या होगा हमारा आराम, आपके बिना ये जीवन निरर्थक है सतगुरुदेव, मत जाइए छोड़ के। गुरुदेव ने कहा, देवी अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। शबरी कहती, गुरुदेव जीते जी आपके चरणों की सेवा करी है, नहीं जाने दूंगी मैं आपको। और यूं कह के शबरी अश्रु धारा बहाने लगी और सदगुरुदेव के चरणों को आंसुओं से धो दिया।
गुरुदेव के मुख से वाक्य निकला कि हे देवी, मुझे लेने के लिए तो वैकुंठ से ये विमान आया है, क्या तुझे ही आशीर्वाद है कि एक दिन तेरे द्वार पर स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। आए और वो झूठे फल खाए मेरे भगवान ने कि प्रभु इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है कि गुरु वाक्य में जिसकी निष्ठा हो उसे भगवान मिल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं प्यारे, बड़ी बात नहीं। संत चरणों की सेवा करना हमारे जीवन का परम सुख हो सकता है, परम सौभाग्य हो सकता है। हृदय प्रसन्न हो गया, हृदय गदगद हो गया देवहूति मैया का ऐसी पावनी कथा को श्रवण करके। प्रभु अनेकों अनेक प्रसंग श्रवण कराए सदगुरु देव ने, अष्टांग योग का वर्णन सुनाया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, कि जीवन की ये परम स्थिति कि हम जीवन में यम नियम से लेके समाधि तक पहुंचे, अष्टांग योग अति योगानुशासनम प्रथम सूत्र दिया कि अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है, योगश्चित्त वृत्तिर निरोधः अर्थात चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है, ये जो धातुवाद ग्रहणात ज्ञायते। योग क्या है? कहा जहां चित्त की वृत्तियां रुक जाएं, जहां हमारा मन सम्यक रूप से परमात्मा के चरणों में लग जाए, वही हमारे जीवन का योग हो सकता है। अनेकों अनेक प्रसंग सुनाए कि हे मैया, जीव येन केन प्रकारेण अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा ले, तो माया के बंधन छूटे नहीं छूटते मैया, माया मरी न मन मरी मर मर गए शरीर, आसा तृष्णा ना मरी कह गए संत कबीर, कि ये तन तो न जाने कितनी बार जन्म लेता है मरता है परंतु उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती, हाँ इसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती। जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कह आवत नाही, हाँ कितना प्रयत्न करके भी वाणी पर अंत समय में वो राम नाम नहीं आता प्यारे, वो हरि नाम नहीं आता। इसलिए जाना तो सबको है परंतु अगर जाते समय वाणी से वो हरि नाम निकल जाए, साक्षात गीता कहती है अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह पर्याति सद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, याति नास्त्यत्र संशयः। कि प्राण त्यागने के समय यदि मेरा स्मरण किया जाए तो निश्चित ही जीव मुझे ही प्राप्त करता है, और अगर दुनिया का स्मरण कर लिया जाए तो प्यारे फिर वो दुनिया ही आगे चल के मिलेगी। मैया गदगद हो गई इस पावनी कथा को श्रवण करके, और कहते हैं कि इसके पश्चात मैया ने अपना संपूर्ण जीवन हरि भक्ति में लगाया और कपिल भगवान मैया को सांख्य शास्त्र का उपदेश सुंदर उपदेश देकर चल पड़े अपने मार्ग की ओर। बोलो श्री कपिल भगवान की जय, बोलो देवहूति मैया की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सदगुरुदेव आगे चल के कथा श्रवण कराते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की परम कथा सतीदाह की कथा। आइए हम और आप सब पुण्यमय पवित्रमय इस कथा को श्रवण करें कि मनुजी महाराज की तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ। उसने 16 कन्याओं को जन्म दिया महाराज,
दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से किया, एक का अग्निदेव से, एक का पितृ से और एक कन्या का विवाह भगवान शंकर से किया। प्रजापतियों ने एक विशाल महोत्सव लगाया जिसमें बड़ा भारी यज्ञ रखा गया, सभी देवताओं को उसमें बुलाया गया। सबने आके दक्ष का अभिवादन किया, भगवान शिव भी वहां पहुंचे, शिव ने भी मन से अनुमोदन किया, परंतु दक्ष को लगा कि शिव ने मेरा सम्मान नहीं किया, इसलिए कहते हैं कि दक्ष को उस बात का क्रोध आया और ऐसा समझकर दक्ष शिव को भला बुरा कहने लगा। वहां पर शिव दूतों को भी क्रोध आया और उन्होंने भी भला बुरा कहा और ऋषियों ने भी, एक दो ऋषियों ने बीच में कह दिया कि शिव मार्गी अपने धर्म से विमुख होंगे, और यूं कह के कलह का वातावरण पैदा हो गया। इसलिए भगवान शिव अपने रुद्रों को लेकर वहां से चले गए। समय बीत गया, दक्ष प्रजापति को अहम हो गया और कहते हैं कि दक्ष ने एक बड़ा भारी यज्ञ रचा और सभी देवी देवताओं को उस यज्ञ में बुलाया, सभी देवताओं का भाग यज्ञ में रखा, परंतु शिव को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है, मां भगवती मां पार्वती सेवा में बैठी हैं और कहते हैं कि इस समय ऊपर से विमान जा रहे थे उड़ के उस यज्ञ के लिए, मां पार्वती की दृष्टि ऊपर पड़ी, सती देख रही है ऊपर, सती बिलो के व्योम विमान जात चले सुंदर विभिनाना, सती बिलो के व्योम विमान जात चले सुंदर जा रहे हैं, सती ऊपर देख रही है, देवता ऊपर से आज मानो सती को न्योता दे रहे, चलो तुम भी चलो, चलो इशारों में पूछ रही है सती कहां जा रहे हैं। सज सज कर देवांगनाएं जा रही हैं कि तुम्हारे पिता ने बड़ा भारी यज्ञ रखा है, असमंजस में पड़ गई सती, अगर यज्ञ रखा तो मुझे क्यों नहीं बुलाया। पिता भवन उत सब परम जो प्रभु आय सु होई तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। हे सुरसुरिष्ठ, शिव से कहती है पार्वती, मुझे जाने दो ना, वहां पर मेरी बहनें भी आएंगी,
मेरे कुटुंबी भी आएंगे, मेरे परिवार वाले भी आएंगे, मुझे जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा देवी अच्छी बात है, जाना तो चाहिए। माता पिता गुरु भागवत अपने सुहृदों के जाना चाहिए। माता के यहाँ कहा बिन बुलाए चले जा सकते हैं हम, पिता के यहाँ जा सकते हैं, गुरु के यहाँ जा सकते हैं, और जहाँ भगवान की कथा हो वहां भी जा सकते हैं बिन बुलाए। परंतु अगर वहां किसी के हृदय में आपके प्रति ईर्ष्या हो, रोष हो, द्वेष हो, फिर कहते हैं वहां थोड़ा सोच के जाना चाहिए, कहीं आपका कोई बड़ा अपमान ना हो जाए। इसलिए समझाया शिव ने सती को कि देवी वहां अपमान होने का भय है, तुम मत जाओ। परंतु सती ना मानी, सती ना मानी, पति की आज्ञा की अवज्ञा करके भूत भावन भोलेनाथ तो ऐसे कह के तप में बैठ गए, परंतु सती रुद्रगणों को संग लेके, वीरभद्र इत्यादि को संग लेके चल पड़ी। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गे मैं बिन बोले न ससले गाई गाई ताजियों की सेवा करते हो। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं रामायण की। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गे सारे यज्ञ में भ्रमण कर रही हैं, कहीं पर भी सभी देवताओं का भाग तो दिखा, परंतु सती को कहीं पर भी शिव का भाग नहीं दिखा। हृदय कलुषित होने लगा कि सभी देवताओं का भाग यज्ञ में है, कहीं पर भी मेरे पति देव का भाग नहीं है। किसी ने नहीं पूछा जाकर वहां पर, मानस में लिखा है केवल एक मां ने पूछा। माँ ही है प्यारे जो तुम्हें पूछ सकती है, बाकी जगत में तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। हाँ एक माँ ही है जो दुनिया के दर्द को सहन करती हुई भी स्वयं गीले में सोखे भी अपनी संतति को सूखे में सुला सकती है, वो केवल एक माँ हो सकती है। दिनकर की वो बड़ी सुंदर पंक्तियां की वाहरी औरत तेरी कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। हाँ आंचल में दूध समेटती है, आंखों में जल रखती है, वो केवल एक माँ हो सकती है। पूछा माँ ने पुत्री को, बहनों ने नहीं पूछा, पिता ने भी नहीं पूछा। रोष से रोई सती,
और पिता जब बुरा भला कहने लगे, पिता से पूछा मेरे पति का भाग कहाँ है, तो शिव के विषय में हा? हा? जब आज दक्ष ने भला बुरा कहा तो मां सती को क्रोध आया। यदद्वयाक्षरम नाम गिरेरितम नृणा सकृत प्रसंगादगमाशु हन्ति तत पवित्रकीर्ति तमलंगय शासनम भवानहो दृष्टि शिवम शिवेतरः। जिनका दो अक्षर का नाम लेकर ही प्राणी महापातकों से मुक्त हो जाता है, काल भी जिनके सामने भय से भयभीत हो जाता है, ऐसे मंगल में भगवान का मंगल सोचने वाले आप स्वयं अमंगल स्वरूप हैं। आप स्वयं अमंगल स्वरूप हैं। यूं कह के सती को क्रोध आया और कहते हैं सती ने वही क्रोध से ही अग्नि वहां प्रकट हुई और उस अग्नि में सती ने अपने तन को कहते हैं वहीं पर ही जला डाला। तजी हो दुरत देहि तेहि हेतु उर्धरि चंद्र मौली वृष केतु अस कही जोग अतिनी तनु जारा भयो सकल भय हाहाकारा। सारे वातावरण में हाहाकार मच गया। आज शिव के दूत क्रोध में तिल मिलाए और वहां पर कहते हैं कि बड़ा भारी रोष पैदा हो गया। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो कहते हैं भगवान शिव ने अपने ही क्रोध से आज अपने दूत को भेजा जिसने जाके सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। महाराज सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया शिव के क्रोध से। कहते हैं विशालकाय वीरभद्र ने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। पुषा के दांत तोड़ दिए, सूर्य की आंख फोड़ दी। महाराज चंद्रमा में अग्नि पैदा कर दी, मानो सारी प्रकृति खिन्न भिन्न हो गई। देवता घबराए और कहते हैं कि समस्त देवता आज ऐसी स्थिति को देखते हैं और दक्ष के सर को आज धड़ से विलग कर दिया। प्रभु समस्त देवता आज भगवान शिव के पास कैलाश जाते हैं। शिव की स्तुति करते हैं और भूत भावन भोलेनाथ देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होते हैं। ये देवताओं दक्ष वाम मार्गी हो गया था, बुरे रास्ते पे चल पड़ा था और जीव अगर सच्चे मार्ग को छोड़कर गलत मार्ग पर चलेगा तो उसकी सजा उसको अवश्य मिलेगी। देवताओं ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु सूर्य नेत्रों के बिना अच्छे नहीं लगते, चंद्रमा शीतलता के बिना अच्छे नहीं लगते, पुषा दांतों के बिना अच्छे नहीं लगते, भृगु दाढ़ी के बिना अच्छे नहीं लगते, कृपा करो दक्ष यज्ञ यजमान बिना सर के कैसे यज्ञ करेगा, प्रभु कृपा करो। भोलेनाथ ने कृपा करी और हम सब जानते हैं दक्ष को फिर किसका सर मिला और फिर से वो यज्ञ हुआ और कहते हैं सती और फिर अगले जन्म में फिर से सती को अगले जन्म में कहते हैं स्वयं भूत भावन भोलेनाथ की प्राप्ति हुई। फिर वो बारात आई कौ मुखहीन विपुल मुख कौ बिनु पद कर कौ बहु बहु बाहु विपुल नयन को नयन विहीना हृष्ट पुष्ट को अति छंतन हीना। कि मानो जब वो बारात आई तो मैया मैना देखकर घबरा गई। हाँ और प्रभु नारद जी ने आके समझाया कि पिछले जन्म में जो कथानक घटित हुआ था इसी कारण से सती को ये देह मिली थी। फिर से त्यागा था और फिर से प्राप्त किया। सतगुरुदेव कहते हैं कि जीवन में आज्ञा की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, यही बात हमें इस कथा से मिलती है। सती प्रसंग को प्रणाम करते हुए सतगुरुदेव प्रसंग सुनाते हैं बाल भक्त ध्रुव का। सनकाद्या नारदस्य
रिपुरहंसो अरुणेयतिः नैते गृहान् ब्रह्मसूता हावन्तुर्ध्वरेतसः। कि आपने अभी तक सप्तम स्कंद की कथा श्रवण करी, अब अष्टम अध्याय में बाल भक्त ध्रुव की कथा आपको श्रवण कराते हैं। ब्रह्मा जी के पांच पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, ये थे सनकादि, नारद, हंस, आरुणी और यति। कहते हैं अधर्म भी ब्रह्मा जी की संतान है। मृषा नामक इसकी पत्नी से दम्ब नामक पुत्र और माया नामक पुत्री का जन्म होता है। दम्ब के लोभ एवं माया से निकृति षटता का जन्म हुआ और कहते हैं इनका कुल जब आगे बढ़ा तो इसमें क्रोध, हिंसा, कलह, दुरुक्ति, गाली उत्पन्न हुई। जैसे धर्म का वंश चलता है ऐसे अधर्म का भी चलता है प्यारे, दोनों साथ साथ चलते हैं। कलयुग है तो सतयुग भी है, सतयुग है तो कलयुग भी है। हाँ, अगर केवल सत्य ही सत्य रहे तो फिर फिर कलयुग का, कलयुग के दुखों को कैसे जानेगा जीव। हाँ, इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। कलह से भय और मृत्यु का जन्म हुआ, भय और मृत्यु के संयोग से यातना तथा नरक की उत्पत्ति हुई। इस तरह से अधर्म का वंश आगे बढ़ा। ब्रह्मा जी के पांचों पुत्रों ने गृहस्थ स्वीकार नहीं किया, अतः सृष्टि वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने महाराज मनु एवं शत्रुपा को प्रकट किया। इनके दो पुत्र हुए प्रियव्रत व उत्तानपाद। प्रियव्रत जी महाराज प्रारंभ से ही संतत्व में लगे। प्रियव्रतो नतानपादो शत्रुपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो। कि कुंवर प्रियव्रत जी महाराज तप में रहे, उत्तानपाद जी महाराज के दो विवाह हुए। दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, दूसरी का सुनिधि। कि मानव अपनी रुचि से बड़ा प्रेम करता है परंतु अपनी बुद्धि का कभी अच्छे कार्य में प्रयोग नहीं करता, इसी का परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। उत्तानपाद उच्चैश्यपादः सउत्तानपादः, जिसके पांव ऊपर की तरफ और सर नीचे की तरफ हो उत्तानपाद है। माँ के गर्भ में सब उत्तानपाद ही रहे, उल्टे लटके रहते हैं सब जीव। विवाह हुआ उत्तानपाद का, दो पत्नियां, प्रभु दो ही पुत्र। सुरुचि से पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है उत्तम, और सुनिधि से भी पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है ध्रुव। सुरुचि से हम अच्छे फल को तो पा सकते हैं परंतु धैर्य तो जीवन में सुनिधि से ही आएगा, अच्छी बुद्धि से ही आएगा। इसलिए जीवन में सद्बुद्धि से ही सदकार्य होते हैं। तो प्यारे राजा का प्रेम था सुनीति से, सुरुचि से, इसलिए सुरुचि को ही पटरानी बनाया और एक दिन सिंहासन पर बैठे थे अपने पुत्र को लेके, उत्तम गोद में बैठा है। ध्रुव जी महाराज छोटे से बालक हैं, दौड़ कर राजपिता की गोद में बैठने लगे। विमाता ने धक्का दे दिया, नावत्सन्धिपते दिशनयम् भवानारोडु महति नागृहीतो मया यत्त्वम् कुक्षावपीन्द्रितात्मजः कुक्षावपीन्द्रिपात्मजः तपसाराध्ये पुरुषम् तस्यवानो गर्भे त्वं साधयत्मानम् यदिच्छसि नृपासनम् यदिच्छसि नृपासनम्। अरे ध्रुव, तू सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है,
यद्यपि तू भी राजकुमार है परंतु मेरी कोख से तूने जन्म नहीं लिया, और अगर तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है ना तो तुझे एक उपाय बताती हूं। भगवान के लिए वन में जाके तप कर, अगर कहीं तेरे तप से भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो उनसे और कुछ मत मांगना। उनसे मांगना क्या कि अगले जन्म में तू सुनीति के गर्भ से ना पैदा हो के सुरुचि के गर्भ से पैदा हो, और कहीं अगर तू मेरे गर्भ से पैदा हो गया तब तो जय पिता का सिंहासन मिल सकता है। छोटा सा बालक ध्रुव इतनी बड़ी भारी बात नहीं जानता था, परंतु एक बात समझता था कि मेरा अपमान हो गया। इसलिए आज श्री ध्रुव जी महाराज सिसकियां लेता हुआ वो छोटा सा बालक वेदना करता हुआ वहां से चल पड़ा। हित्वामिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातुः प्ररुद्रं सकाशम तन्निहिष्वन्तं स्वरुतितादरोष्ठं सुनुतिरुतसंगं मुद्दुहाबालं निशम्य ततपोरमुखान्तितान्तं साविध्यते यदगदितं सपत्न्या। सिसकियां भरते हुए बालक को मां ने अपनी गोद में उठा लिया। दासियों द्वारा सोत के व्यवहार की जानकारी जब मां को मिली, मां बड़ी दुखी हुई। पूछा, बेटा क्या बात है? बेटे ने तो केवल इतना ही कहा कि हे मां, मेरा कौन सा दोष था कि मुझे पिता की गोद नहीं मिली। दासियों ने सारी बात बतलाई। आज सुनीति ने कहा, हे पुत्र, ठीक ही तो कहा भी माता ने, इन संसारी पिताओं की गोद में क्या बैठना, जा वन में जाके तप कर, अगर तेरे तप से कहीं भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे तू दुनियावी गोद मत मांगना, दुनियावी पिताओं की गोद मत मांगना, अगर गोद मांगनी ही पड़ जाए तो फिर उस सांवरे की गोद मांगना, उस परमात्मा की गोद मांगना। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं मन में इसी बात को लेके आज चल पड़े, चल रहे हैं आगे आगे ध्रुव जी महाराज। सामने से आज श्री नारद जी महाराज मिले, कहा, पुत्र कहां जा रहे हो? कहा, भगवान को पाने जा रहा हूं। कहा, बेटा माता पिता तो डांट दिया करते हैं, उनकी डांट का बुरा नहीं मानते, तुम राजकुमार हो, कहां वनों में दर दर भटकोगे, यहां तो तुम्हारी सारी सेवा हो रही है, भोजन पानी सब समय पे मिलता है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, वन में सिंह जंतु तो जोर खा जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं, वे माता की डांट खाने से अच्छा है, अपमान से अच्छा है मुझे सिंह खा जाएंगे, जरा भी प्रवाह नहीं मुझे अपने प्राणों की। समझ गए, गुरु पहले परीक्षा लेता है प्यारे, फिर मंत्र देता है कि देखते हैं कितना पक्का है ये। भागवत में भी परीक्षा होती है। हम देखते हैं कई बार लोग क्या करते हैं कि महाराज जी कब कथा पूरी करें, कब हम घर जाएं, कब कथा पूरी हो, कब हम घर जाएं। प्यारे ये तुम्हारी परीक्षा है। दुनिया को तो बड़ी परीक्षाएं दी देते हैं ना हमेशा, जो परीक्षा में सफल हो जाते हैं वो पूरे चार घंटे बैठते हैं, जो असफल हो जाते हैं ना उनको घर जाने की जल्दी रहती है। सफल बनो कि ये चार घंटे आत्म कल्याण के लिए, बाकी दुनिया के लिए तो फिर वो सारे दिन हैं ही प्यारे। इसलिए ये आत्म कल्याण का समय है, ये परीक्षा ही तो होती है। इसलिए परीक्षा ली सदगुरु देव ने और ध्रुव जी महाराज की परीक्षा को देखकर, भक्ति को देखकर श्री नारद जी महाराज ने कहा, पुत्र अगर इतनी ही पक्की तुम्हारी प्रतिज्ञा है ना तो गुरुदेव के बिना भगवान नहीं मिलते। कोई गुरु बनाए तुमने? नारद जी को देख के कहते, प्रभु आप ही मेरे गुरु बन जाओ ना, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। प्रसन्न हुए नारद जी महाराज और मंत्र दे दिया, द्वादश अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को ग्रहण करके श्री
ध्रुव जी महाराज आगे बढ़ने लगे, कहा प्यारे मंत्र तो मिल गया, जब वो सामने आएंगे पहचानोगे कैसे उन्हें? पहचान भी तो सुनते जाओ भगवान की, कैसी पहचान है? श्री नारद जी महाराज ने बड़ी सुंदर पहचान बताई भगवान की। प्रासाभिमुखम शश्वत प्रसन्न, शश्वत प्रसन्न वदने क्षण, सुनासं सुभ्रुवं चारु चारु कपोलं सुरसुंदरं, चारु कपोलं सुरसुंदरं। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। मानव को भी भगवान का अंश कहा गया है, इसलिए कहते हैं मुख पे कभी उदासी नहीं होनी चाहिए, सदा प्रसन्नता रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। पहचान हम अपनी भूल चुके हैं प्यारे, परंतु हमारी सच्ची पहचान ये है कि हम भगवान की ही संतानें हैं। समस्त देवताओं में परम सुंदर हैं भगवान, परम सुंदर हैं, उनसे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी पहचान बताइए। तरुणम रमणीयांगम मरुणोष्ठेय क्षणनाधर प्रणताश्रयणम निम्नम शख्यम करुणार्णवम सख्यम करुण। भगवान की अवस्था सदा तरुण रहती है, सभी अंग सुडोल रहते हैं, तरुण रहते हैं वो भगवान है। लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं मेरे भगवान के, वे प्रणत जनों का आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं, ऐसे हैं मेरे परमात्मा। इतनी सुंदर पहचान बताई, और जैसी बताई ना वैसी ध्रुव जी ने आंखों में, आंखों से अपने हृदय में उतार दिया, वैसा चित्र बनता गया आंखों के सामने और वो चित्र हृदय में उतर गया। कौन कहता है कि सुन के जीव को भगवान से प्रेम नहीं हो सकता प्यारे? हाँ, कौन कहता है नहीं हो सकता? हाँ, ध्रुव जी को हुआ सुन के प्रेम, रुक्मणी जी को हो गया था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीनवतामते। जैसे जैसे भगवान के गुण जीव सुने, और जिसे गुण सुन के भी भगवान से प्रेम ना हो, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली जीवन में और कौन हो सकता है। सुन के प्रेम हो जाए भगवान से, यही तो भागवत सिखलाती है। श्री ध्रुव जी महाराज अचल पड़े अपनी राह के ऊपर और कहते हैं कि आज जमुना पुलिंद पे खड़े होके, कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होके ध्रुव जी महाराज तप करते हैं। पहले महीने प्रथम मास में कहते हैं कि 6 दिन के अंतर पर बेर खाते हैं, दूसरे महीने 9 दिन के अंतर पर पत्ते खाते हैं, तीसरे महीने 12 दिन के अंतर पर जल पीते हैं, और चौथे महीने महाराज फिर वो जल भी छोड़ दिया, फिर तो बस वायु ही वायु लेते हैं। और जैसे ही आज वायु लेना भी छोड़ दिया, इंद्र का सन डोलने लगा, इंद्र का आसन डोलने लगा, और इंद्र भगवान के पास दौड़े गए। प्रभु आपका कोई प्यारा आपको पुकार रहा है, कहीं मेरा आसन ना मांग ले, हे प्रभु उस पे कृपा कर दो जाके। भगवान ने कहा इंद्र वो मेरा प्यारा भक्त है, तेरा आसन नहीं मांगेगा, अपितु उसके हृदय में मैं आ जाऊं, बस वो तो केवल यही मांगता है। इसलिए श्री ध्रुव जी महाराज की पुकार को मेरे भगवान ने सुना, और मेरे भगवान कहते हैं श्री ध्रुव जी महाराज के समक्ष प्रकट हो गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। पुकारा हे ध्रुव उठो मैं आ गया हूं, परंतु प्यारे ध्रुव की समाधि ऐसी लगी हुई थी कि वो उस समाधि में कोई शब्द सुनाई नहीं दिया। भगवान ने सोचा इसकी आंखें ऐसी नहीं खुलेंगी, क्योंकि इसके हृदय पटल पर मैं छाया हूं, इसके मन में मैं समाया हूं। और जैसे ही भगवान ने सोचा कि पहले इसके अंदर की छवि को निकाल लूं, तभी तो आंखें खोलेगा, भगवान ने अंतःकरण की छवि को
वहां से निकाला और जैसे ही अंतःकरण की छवि निकली, छटपटाई आंखियां के खुली तो देखा वही अंतःकरण की छवि सामने खड़ी है, सामने खड़ी है छवि। अब ज्ञान तो नहीं था ध्रुव जी महाराज को, कुछ स्तुति कैसे करें भगवान की। हाँ, स्तुति के लिए तो शब्द चाहिए, मंत्र चाहिए। हाँ, शब्दों को देने वाले भी मेरे परमात्मा हैं। कपोलों को स्पर्श किया मेरे भगवान ने, श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति करी। आओ हम सब भी हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करेंगे। यो अंतः प्रवेश्य मम वाचम् इमाम् प्रसुप्तताम् संजीवयत्ते खिल शक्तिधरः शक्तिधरः स्वधाम्रा अन्याश्य हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणानमो भगवते पुरुषाय भगवते पुरुषाय तुभ्यं भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को संजीव करते हैं। हाथ पैर कान और त्वचा आदि अनान्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता आप देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को बार बार प्रणाम करता हूं और कहते हैं ऐसी सुंदर स्तुति सुन के मेरे भगवान प्रसन्न हुए। हे ध्रुव, तेरी अभिलाषा थी, तू मुझसे कुछ मांगना चाहता था। ध्रुव जी महाराज के सुंदर स्वरूप को देख के लक्ष्मी जी भी उन पे आसक्त हो गई। हाँ, वात्सल्य प्रेम जागृत हो गया। लक्ष्मी जी दौड़ के श्री ध्रुव जी महाराज को गोद में बिठाती है। भगवान कहते हैं हरि देवी ये मृत्यु लोक है, ऐसा व्यवहार मत करो, इसे गोद से उतारो। इतने सुंदर है श्री ध्रुव जी महाराज। पुत्र मांग मुझसे क्या मांगता है, तू कोई पद मांगने आया था मुझसे। कहा प्रभु, मांगने तो मैं बहुत कुछ आया था, परंतु जब तुम्हें ही पा लिया तो अब मेरी कोई मांग नहीं रही। भगवान से अगर कुछ मांगना पड़ जाए ना प्यारे, तो भगवान से कोई वस्तु मत मांगना, भगवान से तुम भगवान को ही मांग लेना। हाँ, वही तुम्हारा सब कुछ रह जाएगा। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा ने घोषणा कर दी, कल सुबह जैसे ही राज्य खुलेगा तो द्वार खोल देना, मेरी सभा वाले जो जो भी लोग मेरी प्रजा आएगी, जिस जिस वस्तु को हाथ लगाएगी वो वस्तु उसकी हो जाएगी। ये घोषणा सबने सुन ली। सुबह जैसे ही द्वार खुला, दुनिया भागी दौड़ी। कोई सिंहासन को हाथ लगाए, कोई रथ को हाथ लगाए, कोई घोड़ों को हाथ लगाए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। एक छोटा सा बालक था, उसने दौड़ के जाके राजा को ही स्पर्श कर लिया। राजा ने कहा बस सब रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, ठहर जाओ। दुनिया ठहर गई। हाँ, कहा अब यहां से कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। कहा क्यों महाराज, कल ही तो घोषणा करी थी। कहा इस छोटे से बालक ने आके मुझे स्पर्श कर लिया, अब मैं इसका बन गया, और अगर मैं इसका बन गया तो ये सारी वस्तुएं किसकी हुई। ये सारी वस्तुएं भी तो इसी की हुई। इसलिए प्यारे, झूठे कंकड़ों को हम इकट्ठे करते हैं, क्यों ना एक बार जीवन में सच्चे हीरे को का संचय कर लिया जाए। और वो हीरा है प्रभु नाम, वो हीरा है राम नाम। श्री ध्रुव जी महाराज ने आज प्रभु को ही अपना आधार मान लिया। ये प्रभु, मांगने तो आया था मैं पिता की गोद, परंतु मुझे आपकी गोद मिल गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हुए। कहा हे प्यारे श्री ध्रुव, मैं तुम्हें आज वो पद दूंगा जो पद आज तक मैंने किसी को नहीं दिया, कि ताराओं में तुम ध्रुव तारा बन के चमकोगे, और जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो श्री ध्रुव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पिताजी को ये सूचना
नारद जी ने जाके दी, पिता पुत्र से मिलने के लिए दौड़े, परंतु जैसे ही पुत्र को पता चला पिता मिलने आ रहे हैं, कहीं गलती से मेरे पांव ना छू दें, वृक्ष के पीछे से छुपते हुए पिता के चरणों को पकड़ लिया। हे पुत्र क्षमा करना मुझसे भूल हुई। कहा हे पिताजी, अगर ये भूल आप ना करते तो मुझे परमात्मा कैसे मिलता। जीवन का अपमान भी तुम्हें कभी भगवान से मिला सकता है प्यारे, इसलिए अपमान को भी तुम अपने जीवन के को शिरोधार्य करना, मस्तिष्क पे रखना। हाँ, कि जिसे जीवन में ठोकरें मिलती हैं ना, ठाकुर भी उसे ही मिलते हैं मेरे प्यारे। हाँ, ठोकर खाने वाले को भी ठाकुर मिलते हैं। इस बात को कभी मत भूलना मेरे प्यारे। हाँ, यही जीवन का सदाधार हो सकता है। सुंदर प्रसंग श्रवण कराया सदगुरुदेव ने, और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज पावनी पावनी कथाएं सुनाते हैं, और राजा परीक्षित का हृदय गदगद होता है। किसका हृदय गदगद ना हो जाए मेरे प्यारे, भगवान की पावनी कथाओं को श्रवण करके। हाँ, दुनिया की झूठी चर्चाओं को सुन सुन के कर्ण रंध्र हमारे पक चुके थे। हाँ, क्यों ना इन कर्णों में भगवान की पावनी कथा पढ़े। हाँ, ऐसी ही सदपावनी कथाओं को श्रवण कराते हुए सदगुरुदेव आगे चल के श्रीमद भागवत महापुराण का परम रहस्य श्रवण कराते हैं। कथा महर्षि भरत की, भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितले परिपालनाय संचिन्तितस्तदनुशासन परः पञ्चजनिम विश्वरूप दुहितरं मुपयेमि। कहते हैं मानव को परिस्थितियों का दास कहा जाता है महाराज। अनुकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलता का सुख लेना, सफलता का अनुभव जीव करता है इसमें। परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रत्येक कार्य में प्रतिकूलता दिखाई देना, ये बड़ी बात है। हम कहते हैं कि भगवान का नाम वही ले सकता है जिसके जीवन में कोई अभाव हो। परंतु प्यारे, प्रभावित जीवन में भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। हम समृद्ध हों पर हम भगवान का नाम ना ले सके, ऐसा कोई ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। समृद्धि भी, समृद्ध जीव भी भगवान का नाम ले सकता है। भगवान सबके हैं, अमीर के भी, गरीब के भी, कुरूप के भी, सुरूप के भी। हाँ, भगवान सबके हैं, बस भाव सच्चा होना चाहिए। इसी बात की पुष्टि करते हुए सदगुरुदेव सुनाते हैं कि भरत जी महाराज के जीवन में सब कुछ था, धन धान्य वैभव साम्राज्य, परंतु चिंतन सदा हरि का ही लगा रहता था। भगवत भजन को ही जीवन का इन्होंने आधार माना। इसलिए कहते हैं श्री भरत जी महाराज, आज ऋषभदेव जी के उपदेशों का इनके ऊपर बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ा था। सत्य रूप में पिता का प्रतिबिंब इनमें झलकता था। आत्मा वही जायते पुत्रः, इस सिद्धांत की पुष्टि श्री भरत जी महाराज ने करी। इससे पहले इस देश का नाम अजनाब था महाराज, क्योंकि महाराज नाभि एवं अज इसी राष्ट्र पे शासन किया करते थे। महाराज भरत के कारण ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। इन्हीं राजा के नाम पे देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी महाराज का विवाह विश्वरूप प्रजापति की कन्या पंचजनी से हुआ, तथा पांच पुत्र सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, उपवर्ण, धूम्र केतु हुए। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत महाराज कहते हैं भगवान के भक्त थे। राजसिंहासन पे इनको बिठाया गया, परंतु इनकी आसक्ति सदा भगवान में लगी रहती थी। एक दिन पुत्र का राज्याभिषेक करके संन्यास के वस्त्र धारण किए और श्री भरत जी महाराज चल पड़े अपनी राह के ऊपर। गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाई और उस कुटिया में बैठकर हरि नाम भजन करते। चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में जो स्थिति है ना भरत जी महाराज की, नयन गलद अश्रुधारया
वदनम गदगद रुद्धयागिरा पुलकेरनीजित वबहु कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। कि प्यारे राजऋषि भरजी महाराज की स्थिति है कि बहिर्ज्ञान शून्य हो जाता, कई कई पहर तक ध्यान लगा रहता, अपने आप ही हंसने लग जाते, अपने आप ही रोने लग जाते। भक्त की स्थिति ऐसी होती है, भगवान को याद कर करके रोता है, दुखों से नहीं रोता वो, भगवान की विस्मृति से रोता है कि प्यारे तो एक पल भी मेरी नजरों से क्यों ओझल हो गया। भरजी महाराज गाते हैं, जो सुख हो तो गोपाल ही गाए, सो नहीं होत किए जब तप के कोटि ने तीर्थ नहाए, दिए लेत नहीं चार पदार्थ चरण कमल चित लाए, तीन लोक तीन सम कर लेखत नन नंदन उरलाए। वंशीवट वृंदावन जमुना तजी वैकुंठ को जाए, सूरदास हरि को सुमिरन कर बहुरी न भव चल आए। जो सुख हित गोपाल ही गाए, जो सुख हो तो गोपाल ही गाए। जो आनंद भगवान के नाम में है ना प्यारे, वो आनंद संसार में कहीं नहीं मिल सकता। आनंदेव केवलम कृष्णम, अगर आनंद शब्द संसार में किसी का किसी के लिए प्रयुक्त होता है तो वो केवल मेरे कृष्ण के लिए होता है, क्योंकि आनंद से बड़ा कोई शब्द नहीं हो सकता और कृष्ण से बड़ा कोई नाम नहीं हो सकता, इसलिए कृष्ण ही परमानंद है। इसलिए श्री भरजी महाराज एक दिन प्रातः काल गंडकी नदी में संध्या के लिए जल भरने जाते हैं, और प्रभु जैसे ही जल भरने लगते हैं उसी समय एक हिरणी जो प्रसव से है उसी गंडकी में जल पीने आती है। सिंह की दहाड़ होती है, उस दहाड़ के से डर के मारे वो हिरणी कहते हैं मरणासन समय पे आ जाती है और उसका प्रसव नदी में हो जाता है और वो स्वयं मर जाती है। छोटा सा बालक नदी में बह रहा होता है। भरजी महाराज इस दृश्य को देख रहे हैं, मन ही मन विचार आता है कि मैं क्या करूंगा, मैं तो ऋषि हूं, मुझे दुनिया से क्या लेना। दूसरे ही पल मन में विचार आता है मैं ऋषि से पहले का राजा हूं, राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। मन में संकल्प विकल्प उठने लगे महाराज, परंतु मानस की वो पंक्ति याद आ गई, शरणागत को जेत जही, शरणागत को जेत जही, निज अनहित अनुमान तेनर पामर पाप मया, तिन्ह बिलोकते हानि। शरणस्य परित्यागे महापातक युग भवेत। बुद्धि कहती है परहित सरस धर्म नहीं भाई, परंतु यह मोह का विषय कहीं जाग ना जाए, मोह बंधन का मूल है, तुम सर्वस्व त्याग कर मुक्ति के लिए आए हो, अतः बार बार मन की स्थिति बन जाती है। परंतु फिर मन कहता है शरण गए प्रभु जाहि ना त्यागा, विश्व द्रोहित नग जेहि लागा, शरण गए प्रभु जाहि ना त्यागा, विश्व द्रोहित नग जेहि लागा। शरणे गए प्रभु जाहि ना त्यागा, शरणे गए प्रभु जाहि ना त्यागा, विश्वेन्द्र के त्याग जेहि लागा, शरणे गए प्रभु जाहि ना त्यागा, विश्वेन्द्र के त्याग जेहि लागा। अहम जागृत हुआ, भगवान राम भी क्षत्रिय थे, मैं भी एक क्षत्रिय हूं, मेरा पहला धर्म है शरणागत की रक्षा करना, इसलिए दौड़ के शावक को उठाया,
अपनी कुटिया में ले आए, राम नाम छूटने लगा, आसक्ति शावक में बढ़ने लगी, मोह शावक में बढ़ने लगा। प्यारे सोचते उसके बारे में बैठ के, ये छोटा सा था, जल में तैर रहा था, मैंने इसको दौड़ के बचाया, इसकी मां मर गई थी, मैंने इसको पाला पोसा, अब ये बड़ा हो गया, नाम रख दिया ऋषि कुमार। हे ऋषि कुमार, चिंता किसकी रहती, सदा ऋषि कुमार की चिंता रहती। हे ऋषि कुमार तुमने भोजन किया, हे ऋषि कुमार तुमने जल पिया, तुमने कुछ खाया, हाँ हे ऋषि कुमार, हे ऋषि कुमार। आसक्ति हरि नाम से कम होती गई और शावक में बढ़ती गई, समय बीतता गया, दो पल के लिए भी वो शावक आंखों से ओझल होता तो कहते हैं भरत जी महाराज का हृदय आज परेशान हो जाता, मन परेशान हो जाता। और प्रभु करते करते आज अंतिम समय आ गया। एक दिन की बात, वो शावक कहते हैं कि बहुत बड़ा एक झुंड हिरणों का आया, उसमें मिलकर वो घने वनों में प्रवेश कर गया। श्री भरत जी महाराज छटपटा गए, जिनके नेत्र ऋषि कुमार को देखने के लिए, व्याकुल हो गया हृदय, रोए उसके लिए। तो कहते हैं रोते रोते प्राण कंठ तक आ गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह वतना। यही हुआ, यही हुआ महाराज। राम का नाम लेना चाहता है जीव मरणासन पे, परंतु संसार याद आता है। अंत काले चमामेव समन मुक्त्वा क्लेवर मर। कहते हैं अंतिम समय में जो जिसको याद करता है उसे वही मिलता है। भगवान कहते हैं अगर मुझे याद किया होता तो मैं मिलता। हाँ, इसलिए प्यारे अंत समय में भगवान को ही सुमिरन करना चाहिए। परंतु भरत जी महाराज का सुमिरन हिरण में था, इसलिए प्राण निकले, अगला जन्म भी वही मिलता है जिसका स्मरण किया जाता है। भरत जी महाराज को जीवन मिला किसका, हिरण का ही जीवन मिला, परंतु पिछले जन्म की स्मृति बनी रही, भूले नहीं थे पिछले जन्म को, इसलिए उस जीवन को जैसे कैसे भी निकाल दिया। अगला जन्म मिला अंगिरा गोत्र के उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार में महाराज। संध्या उपासना का नियम था परिवार का, इसलिए नित नियम से पूजा पाठ होती थी घर में, परंतु भरत जी महाराज तत्व को जानते थे, इसलिए बाल्यकाल से ही किसी को कुछ नहीं बोले। समय बीतता गया, माता पिता ने सोचा इसको कर्म कांड में लगा दिया जाए, पूजा पाठ करेगा, परंतु भरत जी महाराज का मन केवल केवल हरि में ही लगा रहता। समय बीता, भाइयों ने कहा इसको खेतों में लगा दो, वहां पे पक्षी सारे फसलों को खा जाते हैं, मेड़ बनाएगा वहां पे ये। हाँ, कसी दे दी खोदने के लिए। श्री भरत जी महाराज क्या करते हैं, खोदते हैं तो खोदते ही जाते हैं, और महाराज लगाते हैं तो फिर लगाते ही जाते हैं। मेड़ बनाने लग गए तो फिर मेड़ के पूरे शिखर बना देंगे। हाँ, कहने कहीं तो गुप बनावे, मेड़ कहीं तो शिखरे बनाए। कहने कहीं तो गुप बनावे, मेड़ कहीं तो शिखरे बनाए। हटाओ इसको यहां से,
कहा तुम्हारे बस का ये काम भी नहीं, डंडा दे दिया हाथ में, रात को पशु पक्षी आते हैं, सारी फसलें खा जाते हैं, उनको हटाना तुम बैठ के यहाँ पे। भरजी महाराज को बिठा दिया गया, ड्योढ़ी पे बैठे हैं, रात को पशु पक्षी आए, सारी फसल खा के चले गए। अब भरजी महाराज ड्योढ़ी पे बैठ के कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, और चिड़िया भर भर पे, 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 क्या था जो हम साथ लाए थे उसने दिया, वही खिलाने वाला मुझे काहे की चिंता। भाइयों को क्रोध आया, इसको घर से निकाल दो, किसी कर्म का नहीं है। तनमय भरजी महाराज घर से निकल गए, वो तो चाहते ही यही थे कि मुझे बस राह मिल जाए। श्री भरजी महाराज ने अपनी राह पकड़ी, डाकुओं ने आगे चल के भरजी को पकड़ लिया, कहा ये बड़ा हट्टा कट्टा है, इसकी बलि देंगे माँ दुर्गा के सामने, बलि देनी है महाराज। पकड़ के नहलाया, ने वस्त्र डलवाए, हाँ कहा माँ दुर्गा के समक्ष, भगवती के समक्ष जैसे ही लेटाया, गर्दन कटने के लिए जैसे ही फरसा उठा कि महाराज तलवार उठी गर्दन कटेगी, कहते हैं मुहूर्त में से माँ भगवती प्रकट हो गई, और माँ भगवती ने अपने उन शस्त्रों से दुष्टों का हृदय विदीर्ण कर दिया, तन विदीर्ण कर दिया, और उनका लाल लाल रक्त का पान मां करने लगी। दुष्ट भाग गए सब वहां से। भरजी महाराज नीचे लेटे हैं, माँ ने बाल पकड़े ऊपर उठाया, अरे मूर्ख अपने प्राणों की तुझे जरा भी परवाह नहीं, मरने के लिए लेट गया यहाँ पे। भरजी महाराज मानो मन ही मन कह रहे हो, हे माँ जिसने अपने जीवन का सब कुछ ही आपके चरणों में सौंप दिया, फिर भला वो ही क्यों अपने प्राणों की चिंता करे, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। माँ कहती है जा, अगर तूने मुझे अपना सर्वस्व सौंप दिया प्यारे, तेरे ऊपर भी भगवान की अहेतु की कृपा होगी, परम भक्त होगा तू। और कहते हैं श्री भरजी महाराज चल पड़े अपनी राह के ऊपर। इक्षुमती नदी के किनारे बालुका से रेत का घर बना रहे हैं बैठ के। महाराज रघुगण की सवारी गुजर रही थी, पालकी में कहार जोड़े गए थे, एक कहार कहीं अस्वस्थ हो गया, राजा ने कहा वो सामने जो बैठा है ना उसको पकड़ के लाओ, मेरी पालकी में जोड़ो। और श्री भरत जी महाराज को पालकी में जोड़ दिया गया। श्री भरत जी महाराज उस पालकी में जुड़ के नीचे देखते हैं महाराज, नीचे देख देख के चलते हैं कोई कीट पतंग नीचे ना जाए, और जैसे ही कोई कीट पतंग आता उछलते भरत जी महाराज, जैसे ही उछलते राजा का सर पालकी में लगता। राजा को क्रोध आया, राजा ने व्यंग किया, रे लगता है तुमने कोई बीमार आदमी पालकी में जोड़ लिया, यह अस्वस्थ है इसे चला नहीं जा रहा, तुमने इसको क्यों जोड़ लिया। जब व्यंग का सर नहीं हुआ तो राजा क्रोध से कहता है, अरे लगता है तेरे रोग की चिकित्सा आज मुझे दंड से करनी पड़ेगी, आज मुझे दंड से करनी पड़ेगी तेरे रोग की चिकित्सा। महाराज भरजी महाराज के ऊपर इस बात का जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो राजा को अत्यधिक क्रोध आया, अभी तुझे मैं दंड देता हूं। श्री भरजी महाराज जीवन में आज तक कभी बोले नहीं थे, 40 साल की अवस्था हो गई थी इनकी, आज जीवन में पहली बार बोले, क्या बोले, ना पश्यति जनमांधो कामांधो नैव पश्यति, ना पश्यति मदोन्मत्तो
अर्ति दोषम न पश्यति, अर्ति दोषम न पश्यति। हे राजन, इस संसार में तीन प्रकार के अंधे होते हैं, ध्यान से सुनना। ना पश्यति जन्मांधो, एक तो अंधा होता है वो जिसे जन्म से ही कुछ दिखाई नहीं देता। ना पश्यति कामांधो, दूसरा अंधा होता है वो जो काम में अंधा होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तीसरा अंधा होता है वो जो मद में चूर होता है, मद में चूर व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता वो क्या कर रहा है। अर्थि दोषम न पश्यति, उसे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। हे राजन, इन तीनों अंधों में से तुम कौन से अंधे हो, तुम कौन से अंधे हो? महाराज, राजा इस बात को सुन के तिल मिला गए। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुः स्वायसयामे स्यादति वीरभारः, गन्तुर्यदि स्यादति गम्यमध्वा, पीवेति राशो न विदां प्रवादः। हे राजन, तुमने जो कहा वह तुम्हारी बुद्धि के अनुसार ठीक है, मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूं, आक्षेप नहीं करता, किंतु भार नाम का यदि कोई तत्व है तो वह पालकी ढोने वाले शरीर में होगा, और यदि कोई गंतव्य मार्ग है तो चलने वाले देह को होगा। मेरा इस देह से क्या संबंध, क्योंकि मैं तो चैतन्य आत्मा हूं, आत्मा का बोझ से क्या संबंध? क्योंकि स्थूलम कार्ष्यम आदि व्याधि जरा बुढ़ापा ये सब तो शरीर के धर्म है, इनका आत्मा से क्या संबंध? और आत्मा में श्रम की कल्पना करना ये कोई उत्तम बात थोड़े ही है। आत्मा क्या श्रम करेगी राजन? आत्मा में श्रम की कल्पना करना अल्पज्ञता है, क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं कही ये बात, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो वयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे नाहन्यते हन्यमाने शरीरे नैनम जिन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैचैनम क्लेदन्त्या पुनः शोष्यति मारुतः। अरे किसका स्वामी कौन है और कौन किसका दास है, न जाने कितनी बार मैं तेरा स्वामी बना होऊंगा और तू मेरा स्वामी बना होगा। हे राजन, 40 वर्ष की अवस्था हो गई मेरी, मैं आज तक कभी बोला नहीं था, परंतु तेरे ही कारण आज मैं इस योनि में पहुंचा, इसलिए तुझे सदुपदेश देना मेरा परम कर्तव्य था। ना तू वो शावक बनता और ना मैं वो भरत बनता, ना प्यारे तेरे लिए मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता, क्योंकि तू जा रहा है कपिल मुनि के पास धर्म का उपदेश लेने के लिए। परंतु हे राजन, शेरनी का दूध केवल दो जगह पे ठहरता है, या तो शावक के पेट में या फिर सोने के बर्तन में, या तो अपने पात्र को इतना पवित्र बना लो कि उसमें ये ज्ञान ठहर सके, या फिर तू शेरनी का बच्चा बन जा कि तेरे अंदर वो दूध समा जाए, ऐसा बन, क्योंकि कुपात्र को ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं होता राजन, सुपात्र को ही ज्ञान दिया जा सकता है। गंदे पात्र में जल डालोगे तो जल भी गंदा होएगा, पात्र को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे डोलते हुए जल में हम अपना चेहरा नहीं देख पाते, ठीक वैसे ही डोलते हुए मन में हम नारायण को नहीं बसा सकते।
मन को तो स्थिर करना पड़ेगा, और स्थिर मन कब होगा? जब उसमें पहले पवित्रता आएगी। पवित्रता से ही सही मन स्थिर होएगा प्यारे। हाँ, इसलिए आज रघुगुण ऐसी सुंदर व्याख्या सुन के घबरा गया महाराज। हे राजन, अहम ब्रह्मोऽस्मि, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, केवल इतने ब्रह्म वाक्य सीखने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। ज्ञानी बनने के लिए जीवन में तप करना पड़ता है, और तप करने के लिए आपका संकल्प होना चाहिए प्यारे। बिना संकल्प के जीवन में तप नहीं होते, स्वाध्याय नहीं होता। इसलिए हे राजन, पात्र बनेगा तो जीवन में कुछ प्राप्त होगा। कहते हैं कि वैसे तो बड़ा सुंदर उपदेश, अत्यधिक गहरा संदेश ये भरत चरित्र, ये रघुगुण चरित्र हमें देता है। देवता घबरा कर कंदराओं में छुप गए, सारी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। प्रभु ऐसी स्थिति में जब धर्म का हास होने लगा, देव माता अदिति ने, कहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक व्रत किया, जिस व्रत का नाम है पुष्पन व्रत। ये व्रत उत्तर भारत में अहोई अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, दक्षिण भारत में इस व्रत को पुष्पन व्रत कहते हैं। कि माताएं मात्र दूध का पान करके अपनी संतति की रक्षा के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। मां ने रखा व्रत, और व्रत का फल क्या हुआ? कहते हैं स्वयं नारायण भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने मैया से कहा, मैया मांग, मुझसे क्या मांगती हो? मैया ने कहा, हे प्रभु, अगर देना ही चाहते हो ना तो मुझे अपने समान पुत्र दे दो। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं, मैया ये तुमने क्या मांग लिया? मेरे समान तो इस संसार में केवल मैं ही हो सकता हूं, और कोई नहीं हो सकता। भगवान के समान केवल भगवान हो सकता है, इसलिए मैया मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। प्रभु कहते हैं, आज वो शुभ घड़ी आई, भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजीत मुहूर्त में, कहते हैं आज मेरे वामन भगवान का प्रकट्य हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। श्री वामन भगवान, कहते हैं देवताओं ने अपना अपना अंश आज उनको दिया, छत्र कमंडल इत्यादि लेकर श्री वामन भगवान आज चल पड़े राजा बलि को छलने के लिए। बीच में एक नदी पड़ती है महाराज। अब उस नदी को पार करने के लिए जैसे ही पांव रखा नदी में, फिर पीछे हट जाए वामन भगवान। इतना सब कुछ ले रखा हाथ में, कैसे पार करें? एक ब्राह्मण देवता की दृष्टि पड़ गई। कहा, महाराज हे बाल विप्र, कहां जा रहे हो? प्रभु, ब्राह्मण देवता बलि के पास जा रहा हूं। कहा, का करेगा जाके? का मांग के लाएगा? कहा, बस कुछ तो मांगूंगा। अच्छा, अगर मैं तुम्हें पार लगा दूं, उसका आधा मुझे देगा? हाँ पक्का, तुझे दे दूंगा, मुझे पार लगा दे। ठीक है भैया, कंधे पे बिठाया ब्राह्मण देवता ने और पार लगाने लगे। चलते चलते बीच नदी में ब्राह्मण देवता की दृष्टि वामन भगवान के पांव पे पड़ गई, चरण पे पड़ गई। चरण के ऊपर श्री का चिन्ह छपा है, अंकित है। दृष्टि ठहर गई महाराज, दृष्टि ठहर गई, रुक गई वहीं पर। ए ब्राह्मण देवता, मोहे देर है रही है, देरी है गई, क्यों रोक रहे हो? कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो?
अरे बताया तो मैं महर्षि कश्यप पुत्र दिति पुत्र हूं। मेरे माता पिता हैं दोनों। कहा वो संसार की पहचान है, अपनी असली पहचान बताओ। कहा बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें लेके यही नदी में डूब जाऊंगा। नहीं भैया ऐसा मत करियो, मेरी मैया बड़ी रोएगी। अच्छा बताता हूँ बताओ। कहा मैं वही हूं जो तुम सोच रहे हो। धन्य है प्रभु, अब मैं तुम्हें पार लगा देता हूँ। जब मेरी बारी आएगी मुझे अवश्य पार लगाना। यूं कह के आज भगवान ने कोटि कोटि आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण देवता ने पार लगाया। श्री वामन भगवान चल पड़े बलि के यज्ञ की ओर। कहते हैं बड़े सारे याचक ब्राह्मण खड़े थे पहले से ही। जैसे ही वामन भगवान वहां पहुंचे, जितने याचक ब्राह्मण थे कहते हैं सबका तेज हरण कर लिया भगवान ने। राजा बलि को सूचना मिली कि कोई बड़े तेजस्वी बाल ब्राह्मण आए हैं कुछ मांगने के लिए। बलि दौड़ आया महाराज, और आके जैसे ही वामन भगवान पर दृष्टि पड़ी, चरणों में नतमस्तक हो गया। हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु इतना कष्ट क्यों किया, मुझे ही बुला लेते, मैं ही देने आ जाता, आप यहां क्यों आए, छोटे से हैं आप, अगर कहते हो तो हजारों कपिला गायें आपको दान कर दूं, दूध पीना महाराज, भूमि की आवश्यकता हो तो अपना आधा राज्य आपको दे दूं। बलि ने कहते हैं, कई संत तो ऐसा तक कहते हैं कि बलि ने कहा महाराज इतने सुंदर हो, मेरी एक पुत्री है उसे मैं आपको दे दूं, उसका विवाह आपके संग कर दूं। न कुल देखा न गोत्र देखा। कहते हैं महाराज ब्राह्मण का तेज ही उसका कुल और गोत्र होता है, तेज ही उसकी सच्ची पहचान होती है। तेजस्वी ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है। इसलिए श्री वामन भगवान के तेज को देखकर बलि भगवान को सब कुछ कह रहे हैं, महाराज सब ले जाओ। मुस्कुराए वामन भगवान, हे राजन तुम्हारे कुल की परंपरा ही कुछ ऐसी है, तुम्हारे कुल की परंपरा ही कुछ ऐसी है कि तुम्हारा कुल सदा देता आया है, साधारण नहीं है बलि, प्रहलाद पुत्र है ये महाराज, रोचन पुत्र है, कुल की परंपरा। हाँ ब्राह्मण देवता जब किसी के यहाँ जाते हैं ना तो उसके कुल का बखान होता है कि राजन तुम थोड़े ही हो कि तुम दे रहे हो, ये तुम्हारे से पहले भी तुम्हारे बड़े दिया करते थे। ये जो हमारे अंदर दान करने की प्रवृत्ति पैदा होती है ना, ये हमारा गुण नहीं होता, ये हमारे बड़ों के द्वारा हमें दिया हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे कुल की परंपरा रही होगी, तभी तो हम दान करते हैं। दान हमारा धर्म नहीं, दान हमारा स्वभाव होना चाहिए। इसलिए स्वभाव से ही हम जिस कार्य को करें वही अच्छा हो सकता है। कुल परंपरा को गाया महाराज, और अपने कुल परंपरा को सुन के बलि और अत्यधिक हर्षित हो गए। महाराज आप बोलिए तो सही, आपको क्या चाहिए। कहा महाराज देना ही चाहते हो। कहा हाँ देना चाहता हूं, तभी तो कह रहा हूं। अगर देना ही चाहते हो महाराज ज्यादा नहीं मांगूंगा, मुझे मात्र 3 एकड़ भूमि दान दे दो। अब प्रभु बलि ठहाका मार के हंसे, हे याचक ब्राह्मण तुम त्रिलोकी के स्वामी बलि के सामने खड़े हो, यहां पर जीवन में एक बार जो मांगता है ना उसको फिर कभी मांगने की जरूरत नहीं रह जाती। सोच समझ के मांगना विप्र, एक बार मांग लो जीवन भर का निर्वाहन तुम्हारा 7 पीढ़ियों तक का हो जाए, इतना मांग लो। महाराज वामन भगवान मुस्कुराए,
कहा प्यारे तो तीन पक्का तो संकल्प कर, फिर आगे का सोचूं। तो कर तो सही प्यारे, हे राजन दाता है ना तू, मुझे तो तीन पग ही चाहिए, ब्राह्मण का संतोष ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। इसलिए गोधन गजधन वाजी धन, महाराज सब धन फीके पड़ जाए जब जीवन में संतोष धन आ जाए, इसलिए मुझे संतोष है, मुझे तो तीन पग ही चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो मैं जा रहा हूं। यूं कह के वामन भगवान मुड़ गए, जैसे ही मुड़े बलि पीछे पीछे दौड़े, नहीं विप्र नहीं, मैं तुम्हें तीन पग ही देता हूं। लो अच्छा देते हो, कहा हाँ, कहा फिर पहले संकल्प करो, संकल्प के बिना तो भूमि दान होता नहीं। कहा महाराज तीन पग के लिए संकल्प, कहा हाँ संकल्प तो करना पड़ेगा महाराज। हाँ ठीक है प्रभु कराओ संकल्प। जैसे ही ठूंठी से जल देने लगे, शुक्राचार्य जी की दृष्टि पड़ गई, दौड़े आए महाराज। अरे बलि ये कोई याचक ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं नारायण है, ये तीन पग में तेरा सब कुछ हर लेगा, तेरा सब कुछ हर लेगा। मुस्कुराए बलि, कहा हे गुरुदेव अगर ये नारायण है और मेरा सब कुछ हरने आए हैं तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं तो लूटने को तैयार बैठा हूँ, अगर वो लूटने वाला जाए तो, अगर वो ठाकुर मिल जाए तो। कहा बलि गुरु की बात को नहीं मानता, जा तो श्री से हीन हो जा, लक्ष्मी से हीन हो जा, जा मैं तुझे ये शाप देता हूँ। बलि कहते गुरु का शाप भी पुण्य में बदल जाता है, आशीर्वाद में बदल जाता है। हे सतगुरुदेव लक्ष्मी से हीन हो जाऊं कोई बात नहीं, नारायण तो मिल रहे हैं ना, जिसे नारायण मिल गए लक्ष्मी भी तो उसके पीछे पीछे आएगी। दिवाली पूजन पे क्या बोलते हैं पंडित जी को, पंडित जी लक्ष्मी पूजन जरा अच्छे से करा देना। और लक्ष्मी की पूजा सब करते हैं परंतु नारायण की पूजा नहीं करते। प्यारे अकेली लक्ष्मी जो आती है ना, उसकी सवारी क्या होती है, उल्लू की। और उल्लू स्थिर नहीं है, उल्लू कभी टिकता नहीं, लक्ष्मी की मनास्थिति भी चंचल होती है, एक जगह कभी नहीं ठहरती। नारायण के संग आएगी किस पे बैठ के आएगी, गरुड़ के ऊपर स्थिर सवारी आएगी। इसलिए पूजन अगर कराना पड़े तो खाली लक्ष्मी का मत कराइयो, साथ में नारायण को भी बिठाना। लक्ष्मी के संग नारायण ही अच्छे लगते हैं प्यारे। तो इसलिए कहा गुरुदेव मुझे आपका ये शाप भी स्वीकार है, शाप भी स्वीकार है। गुरुदेव तब भी ना माने, संकल्प जैसे ही देने लगे, कहते हैं ठूठी में मक्खी बन के प्रवेश कर गई, मक्खी बन के प्रवेश कर गए महाराज। अब जल देने लगे, जल ना निकले ठूठी में से, भगवान समझ गए शुक्राचार्य जी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक तिनका लिया ठूठी में मारा, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई महाराज। किसकी आंख फूटती है, कहा महाराज अगर पड़ोसी दान कर रहा हो तो जो पड़ोस में बैठा होता उसको बड़ा दुख होता है, ये क्यों कर रहा है, उसको समझाता है अरे इतना क्यों दे रहा है, उसका हाथ पकड़ता है अरे तू कितना दे के क्या करेगा, थोड़ा कम दे दे, वहां ऐसे भी चल जाएगा, ना देने से भी चल जाएगा। परंतु प्यारे धर्म कहता है कि तुम दान ना कर सको कोई बात नहीं, परंतु अगर कोई सामने वाला कर रहा हो ना, उसका देते हुए कभी हाथ मत पकड़ना। तुमने उसका हाथ पकड़ा समझ लेना सारा दोष तुम्हारे सिर पे चढ़ गया। इसलिए जो दे रहा हो ना उसको और प्रेरणा दे के और दो, जितना दिया जा सके, मैं तेरे से ज्यादा करूंगा, उसको हौसला देना चाहिए मैं तेरे से ज्यादा करूंगा। देने अर्थ में ही दान होता है प्यारे। इसलिए कहते हैं आंख फूटी शुक्राचार्य जी के, संकल्प हुआ तीन पग भूमि का, और संकल्प होके कहा प्रभु नापिए अपनी भूमि, कहां से कहां नापते हो। श्री वामन भगवान ने विराट रूप बनाया, एक पग में पूरी पृथ्वी को नापा, दूसरे पग में पूरे अंबर को नाप दिया। बलि देख रहे हैं खड़े खड़े,
भगवान कहते हैं बलि तूने तो तीन पग का संकल्प लिया था, दो ही पग हुए, अभी बता मैं अपना तीसरा चरण कहां रखूं। बलि भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हे प्रभु मेरे एक प्रश्न है आपसे। कहा करो। हे प्रभु इस संसार में ऐश्वर्य बड़ा होता है कि ऐश्वर्यवान? भगवान ने कहा बलि बड़ा तो ऐश्वर्यवान होता है, देने वाला बड़ा होता है। कहा तो हे प्रभु अभी तक तो आपने इस दुर्बुद्धि की जड़ वस्तुओं को नापा है, अब मेरी इस बुद्धि को नाप दीजिए, अपना तीसरा चरण मेरे सिर पे रख दीजिए, मेरे सिर पे रख दीजिए तीसरा चरण। और मेरे भगवान ने बलि के ऊपर कृपा करी, अपना तीसरा चरण कहते हैं बलि के सिर के ऊपर रखा। जैसे ही सर पे चरण रखा कहते हैं बलि सीधे पाताल चले गए। और भगवान देवताओं के कार्य को सिद्ध करके सीधे बलि के पीछे पीछे पाताल गए। पहले लिया अब देने गए हैं। कहा बलि मांग मुझसे क्या मांगता है? बलि कहता प्रभु अभी तो सब कुछ दे के आया मैं आपको, अब क्या मांगू? कहा बलि तुझे मांगना तो पड़ेगा। कहा प्रभु मुझे जीवन में आपकी कृपा मिल गई और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कृपा मिल जाए जीवन में और क्या चाहना हो सकती है मेरे प्यारे। फिर भी भगवान ने कहा मैं तुम्हें दूंगा। और मेरे भगवान ने बलि को पाताल का राज्य दिया। और कहते हैं जो भगवान ने बलि को दिया आज तक वो किसी को नहीं दिया प्यारे। बलि तुझे मैं राज्य दे रहा हूं और मैं तेरे द्वार का द्वारपाल भी बन रहा हूं। सोचो मेरे प्यारे भगवान किसी के लिए कुछ भी बन सकते हैं, परंतु क्या भगवान किसी के लिए द्वारपाल भी बन सकते हैं? बनते हैं भगवान द्वारपाल भी उसके लिए जो धर्म के लिए अपने आप को मिटाता है, जो धर्म के लिए अपने आप को समर्पित करता है भगवान उसके बन जाते हैं। इसलिए आइए सुंदर संकल्प हम सब का आज का और श्री वामन भगवान का सुंदर दर्शन हम और आप सब बड़े ही सद्भाव के साथ। नारायण 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 नाराय
Bye.
बलि राजा के द्वारे रे, बलि राजा के द्वारे रे, संत करे da 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 da
श्री श्री जी महाराज की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। गंगा मैया की जय। वेद भगवान की जय। गौ माता की जय। बोलो प्रयागराज धाम की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।